चरितमानस यानी राम कथा में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी के जीवन चरित्र में खगराज गरुड़ के पूछने पर जो भुसुंडी जी ने अपने जीवन के कुछ महत्व के प्रसंग बताए उनमें महाकाल मंदिर में भुसुंडी जी से गुरु अपराध हो गया अभिमान के कारण अपनी शुद्रता के कारण और महाकाल कुपित हो गए और उसने काकभुसुंडी जी को श्राप दे दिया। अपने शिष्य के श्राप निवारण हेतु कृपालु गुरु ने रुद्राष्टक का गान किया, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। अष्टक ये अष्टमूर्ति है शिव का स्वरूप, जिसमें कल हमने संकेत किया कि ये चौथे बंध में अग्निमूर्ति का वर्णन है। भगवान शिव की चर्चा करते हुए जो कहा गया, जो चौथा बंध उसका और दर्शन करें। Shankaram Sarvanatham
कल हमने संक्षिप्त चर्चा की कि भगवान शिव जी के कानों में कुंडल हिल रहे हैं, उसका कुछ दर्शन किया गया। लसत कुंडल की चर्चा कल की गई। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु चलत कुंडलम भ्रु रुकुटी अग्नि तत्व नेत्र वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशुना वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रिय। सूर्य चंद्र और अग्नि जिसका नेत्र है उस अग्नि मूर्ति भगवान शिव की वंदना करते हुए आगे का शब्द प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु। शिव जी प्रसन्नानन है, सदा प्रसन्न से मुख है, सदा सदा प्रसन्न रहते हैं। अब ये बड़ा कठिन है बाप, शिव जी के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि हर हाल में वो प्रसन्न रहते हैं। शुद्धि अशुद्धि, मंगल अमंगल, शुभ अशुभ, संयोग वियोग, सुख दुख, स्तुति निंदा, स्वीकार तिरस्कार, शौच अशौच, कोई भी स्थिति में भगवान शंकर प्रसन्न रहते। किसी भी स्थिति में उसको आप रखो। मुझे कवि कालिदास का बहुत सुंदर श्लोक अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया, उसमें कुछ ऐसा भाव है। कवि कुल चूड़ामणि कालिदास जी का श्लोक है। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषात, कालिदास लके लिखता है फिर तो कहना ही क्या, इसी प्रदेश जो उनकी भूमि है कालिदास की। वो लिखते हैं, मुझे बहुत प्रिय लगा सो मैंने लिख लिया। भीतिर्नास्ति भुजंग पुंगव विषात प्रीतिर्न चंद्रामृतात्। देखिए किस तरह वो कह रहे हैं, न शौचम ही कमाल दाम लुलनात्, शौचम न गंगा जलात्, नोद्वेगश्चित् भस्मना न च सुखम गौरी स्तना लिंगनात्, स्वात्मा राम तया हिता हित सम स्वस्थो हर पातु माम। कालिदास तो कितने श्लोक लिखे, बहुत से, लेकिन मैंने पहली बार इसका पारायण कर रहा था, देख रहा था तो ये बहुत प्रिय लगा सो मैंने आपके लिए लिख लिया। कहते हैं कालिदास कि भगवान शंकर कैसे हैं, भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद। भुजंग पुंगव सर्प शिरोमणियों को, भुजंग पुंगवों को अपने गले में रखते हैं फिर भी उसको कोई भीति नहीं है, कभी भय नहीं है कि मेरे गले में इतने सर्प कोई काट दे तो। सर्प पुंगवों से जिसको कभी भय नहीं, और प्रीतिर्ण चंद्रामृतात्, सर्पों के विष का जिसको भय नहीं और चंद्र से अमृत टपक रहा है उससे कोई प्रीति नहीं। देखिए तो क्या शिव शिव है। महेशान्ना परो देव, महेश के समान कोई देव नहीं, और नास्ति तत्वम गुरु परम, महादेव महादेव। विषधर सर्प पुंगवों की जिसको भीती नहीं और अमृत टपकाने वाले चंद्र से जिसको कोई प्रीति नहीं, असंग बैठे बाबा। ना शौचम ही कमाल दाम लुललात,
मनुष्य की खोपड़ियों की माला गला में पहनी है, उसकी कोई उसको अपवित्रता नहीं कि भाई खोपड़ी कितनी अपवित्र मानी जाती है, बहुत अपवित्र मानी जाएगी, लेकिन उसकी पूरी माला पहनते हैं। कभी सुधनवा का मस्तक की माला पहनी, कभी दक्ष के यज्ञ में जल गई वो सती के मस्तक की माला पहनी, कभी किसी की पहनी, कभी नरमुंड पहने, खबर नहीं कितनी कितनी मालाओं का वर्णन है शिव जी के सीने पर। तो मुंड माला पहनने का जिसको जिसको अपवित्रता नहीं है कि ये जरा ठीक नहीं। और शौचम न गंगा जलात, गंगा जी ऊपर से बह रही उसकी कोई पवित्रता की चिंता नहीं, ना अपवित्रता की चिंता, न कोई पवित्रता की चिंता। नोद्वेग, शरीर पर भस्म लगाई है उसका कोई उद्वेग नहीं कि मेरे लिए लोग क्या बोलेंगे, भस्म का कोई उद्वेग नहीं कि ये ठीक नहीं है। और ये तो कालिदास है, श्रृंगार का आदमी है, इसलिए वो लिख देता है गौरीस्तना लिंगनाथ, अपनी प्रिय पत्नी गौरी को सीने से लगाने का उसको वो कोई वो नहीं। कालिदास अपने ढंग से लिखता, आदमी बड़ा रसिक रहा कालिदास। तो गौरी को सीने लगाने का उसको वो कोई नहीं, भस्म लगाने का भी कोई नहीं, और उसका भी कुछ नहीं, उसको आलिंगन देते हैं। क्यों? अब कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा है शिव में। तो कारण बताते हैं, स्वात्मा राम तया हिता हित सम, जो अपने आत्मा राम में डूबा है उसको हित अहित शुद्धि अशुद्धि मंगल अमंगल स्वीकार तिरस्कार सुख दुख उद्वेग शोक सब सम हो जाता है। महादेव ऐसे है, ऐसे स्वस्थ शिव पातुमान, कालिदास कहते हैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, हम आपके आश्रय में हैं। तो प्रसन्नाननम, इस जगत में स्वस्थ कौन रह सकता है जो सभी द्वंद्वों से सम है। पूरी गीता में जब जब देखता हूं तो मुझे लगता है गीता में भगवान कृष्ण की एक बाबत पर बहुत दृष्टि रही, और वो है सम 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 सम, सब जगह सम, सुख दुख को सम कर, निंदा स्तुति को सम कर, रिपु मित्र को सम कर, उष्णता ठंडक को सम कर, लोहा और कांचन को सम कर, सम सम सम। इसलिए संतों ने कहा है कि गीता का कोई यदि वाद है तो समतावाद है, ये पार्टी बाल्टी की बात नहीं है ना, कोई कोई पार्टियों का भी नाम है, समतावाद, सम सम सम। कालिदास कहते हैं क्या चुस्त, स्वात्मा राम तया हित आहित सम स्वस्थो हर पातुमाम, भगवान शिव प्रसन्न रह सकते जो सही में सदगुरु होता है वो भी सदा प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसको भी समस्त द्वंद्व को समदृष्टि से देखने का स्वभाव हो गया है। कौन रहेगा प्रसन्न, सभी को पूछो आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, खबर नहीं जवाब नहीं आ रहा, ईमानदारी से बोलिएगा, प्रामाणिकता से बोलिएगा, प्यार से बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा, मन से बोलिएगा, चित्त शुद्ध करके बोलिएगा, बुद्धि में निर्णय करके बोलिएगा,
ठीक से बोलिएगा, स्वभाव से बोलिएगा, आत्मा से बोलिएगा, तीर्थ में बोलिएगा, ओंकारेश्वर में बोलिएगा, राम कथा में बोलिएगा, रामायण के सामने बोलिएगा, मुरारी बापू ने पूछा है इसीलिए बोलिएगा। तो एक चाबी है और ये आप करें, मैं करूं और आपको प्रसन्नता न मिले तो मुझे अदालत में आप ले जा सकते हैं, मुकदमा चलाएगी मेरे सामने कि आपने हमको हा हा कहलवा करके प्रयोग करवाया और हुआ कुछ नहीं। चाहते हो ना प्रसन्नता, शिव की तरह, बुसुंडी के गुरु की तरह, क्योंकि ये सभी सूत्र में गुरु को भी लगा रहा हूं ना संक्षेप में। ये मैंने वैसे अब मुझे होता है कि मुझे रुद्राष्टक एक कथा में पूरा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा बड़ा विशद स्तोत्र है, उसको कैसे, लेकिन अब उपक्रम हो गया, परसों पूरा कर देंगे। वरना मुझे कल रात तो ऐसा भी विचार आया कि आधा यहाँ करें और आधा फिर महाकाल में जाकर करो, वहां पूरा करो। लेकिन अब तो जो हुआ हुआ। निसेनी होती है ना सीढ़ी, निसेनी बांस की बनाई जाती है सीढ़ी या लोहे की जो हो। अबे मारे त्रण सेफ्टी पिन रख लीजिए, एक अहिया लगाई देवी से, एक पाछळथी आने साथे फिट कर, तमारे आवी ना आ मारी देवी, એટલે આ બધું હલે ભલે નહીં ને તમને કોઈ તકલીફ ન થાય એટલા માટે બાપ। તો નિશેની જો હોતી હૈ उसको आप अगासी में जाने के लिए लगा दें तो अगासी में चढ़ जाते हैं ना हम और आप। लेकिन भूल नहीं करनी चाहिए कि निसेनी केवल आपको ऊपर ही चढ़ा सके। वही निसेनी को कई लोग कुएं में रखते हैं और कुएं में उतर जाते हैं। कुएं में जाना है खोद काम के लिए तो वहाँ निसेनी लगा दे तो कुएं में उतर जाता है, किसी को अगासी में जाना है तो अगासी में चले जाते हैं। मानव जीवन एक अवसर है निसेनी, तुम चाहो तो प्रसन्नता के स्वर्ग में जा सकते हो और तुम चाहो तो मर मर के कुएं में जा सकते हो। इस निसेनी को हम और आप रखते कहाँ है, उसी पर जीवन की यात्रा आधारित है। शिव क्यों प्रसन्न है, प्रसन्नाननम, क्यों सदगुरु लोग प्रसन्न रहते, वरना ये सब नीलकंठ होते। प्रसन्नाननम नीलकंठम, सबको जहर पीना पड़ता है, केवल शंकर पीता है ऐसा नहीं, समस्त सदगुरुओं को जहर पीना पड़ता है, क्योंकि जहर पिए बिना सदगुरु की पदवी प्रमाणित नहीं होती, जहर पीना होता है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जहर तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। आपकी उम्र क्या है? हाँ धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मैं कभी कभी कहता हूं कि श्रोताओं में भी हम, अरे हाँ 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 हाँ
वाह। आने वाला, हाँ हाँ बस बस, हाँ जो કેટલું ઝેર પીવું પડે તમે કલ્પના કરો, કે સબકો પીના પડેગા ને યહાં બેઠે, જીવન હૈ અગર ઝેર તો। ધન્યવાદ બાપ। સંભવ હૈ આને વાલી કથાઓ મે કઈ માઇક્રોફોન લગાને પડે, કિસકો કબ મૂડ આ જાય ક્યા પતા। ધન્યવાદ, સબકા સ્વાગત હૈ બાપ। मैं आपको परिवार समझकर आपके बीच में बैठकर बातें कर रहा हूँ, मैं कोई उपदेश नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति सदा कहा करते थे, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग टॉक कर रहा हूँ। मेरे साधकों से मेरा वार्तालाप है, एक बात है। इसमें निकटता होती है, इसमें नज़दीकियाँ होती है, दूरी मिट जाती है। और सदगुरु को हर तरफ से देखना। गंधर्वराज क्या कहता, नमो नेदिष्ठाय प्रिय दवदविष्ठाय च नमो नमाक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमो नमाक्षोऽसिष्ठाय त्रिनयनय य च नमः सर्वस्मै ते हरिदमिति सर्वाय च नमः। क्या अर्थ है उसका? हे शिव निकटवर्ती तू है तो भी तुझे नमः नमस्कार, और तू दूर हो तो भी तुझे नमस्कार। नमो निधिष्ठाय प्रिय दव का अर्थ है, हे वन प्रिय, वन जिसको प्रिय है, वन विहार जिसको प्रिय है, ऐसा है भोला तू। तेरी निकटता भी वंदनीय है, तेरी दूरी भी वंदनीय है। काम को जलाने वाला सूक्ष्म भी तुम्हें नमस्कार है, और हे विराट भी तुम्हें नमस्कार है। शिष्टाई का अर्थ है वृद्ध तुझे नमस्कार है, और हे युवक तुझे भी नमस्कार है। सब तरह है तुझको नमस्कार, तेरे हर रूप कमनीय है, तेरे हर रूप वंदनीय है। इसका मतलब ये सब तरह से सर्वाय सभी अंगों से तू प्रणम्य है। आप सबका स्वागत है बाप, आप सब, इसलिए मैं रोज प्रणाम करता हूं आपको। तो प्रसन्न रहने के लिए जहर पीना पड़ेगा, ये कसौटी है। कि वैसे तो कोई भी प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जहर पीने के बाद कोई प्रसन्न रह सकता हो वो दयालु है। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु, जहर पीने के बाद प्रसन्न रहना ये बड़ा मुश्किल मामला है। तो ये सभी सूत्र शिव को और सदगुरु दोनों को लागू। तो हमारे पास एक संभावना है कि हम निशानी से ऊपर भी जा सकते हैं, कुएं में भी जा सकते हैं, और ऐसी निशानी गोस्वामी जी ने बनाई। सरग नरक अपवर्ग निसे, स्वर्ग में जाना चाहे नरक में जाना चाहे दोनों से मुक्त होना चाहे, ये मानव तन निसेनी है। प्रसन्न रहना चाहते हो तो उपाय है, और आपको प्रसन्न रहना ही नहीं तो कोई उपाय भी नहीं। कई लोग ऐसे प्रसन्न रहना ही नहीं चाहते, करें क्या, हर बात में अप्रसन्न। मेहमान आया,
यजमान और मेहमान ने भोजन किया और जो घरवाला था वो यजमान वो एकदम पत्नी पर चिल्लाया कि ऐसी रसोई की तूने, इतनी खराब रसोई। खराब हुई थी या तो ज्यादा कुछ नमक बमक हो गया। तो मेहमान ने कहा हो सकता है भाई साहब, छोड़ो अब दुख छोड़ा ना, हो गई दोनों ने खा भी लिया। रात को बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाई तो भी चिल्लाने लगा। तो मेहमान ने कहा अब क्यों चिल्लाते हो? बोले दोपहर को ऐसी क्यों नहीं बनाई थी? अब रात का तो स्वाद ले ले मूड, दोपहर ठीक नहीं बनी उसको भूल जा। तो समझाया उसने, मेहमान ने तो थोड़ा समझ गया। एक घंटे के बाद फिर चिल्लाया, बोले अब क्यों चिल्लाते हो? बोले कल ऐसी बनाएगी कि नहीं। अब जिसको भूतकाल में भी अप्रसन्न रहना है, वर्तमान में भी अप्रसन्न रहना है, भविष्य भी जिसका अप्रसन्नता के कवच में आबद्ध है, उसको साधु कैसे प्रसन्न कर सकता है? लोगों ने ठान ही ली है, करूं क्या, ठान ही ली है कि राजी होना ही नहीं। अरे अरे थोड़ी सी आप मैखाने में पी लेते, पीने वाले आप नहीं, ये तो मैं सबको संबोधन करता हूँ जो पीते हो, तो भी उसको कुछ घंटे तक नशा रहता है। तुम नौ नौ दिन इस साधु के मैखाने में बैठे और यहाँ भर भर के पिलाई जा रही है, कोई कमी नहीं बरती जा रही, नीचो नीचो कर पिलाई जा रही, बूंद बूंद पिलाई जा रही है, तुम्हारे हाथ में नहीं तुम्हारे मुंह में डाली जा रही, फिर भी तुम प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते? शायद तुमने ठान रखा है कि राजी होना ही नहीं। तो फिर मूर्ख ने बोधन लागे रे, एने साधु गणु समझा। व्यवस्था तो है, क्यों ना रह सके? हमारा शिव रह सकता है तो हम उनके टुकड़े हैं, हम उनके हैं, चाहे भूत प्रेत सही लेकिन है उनके, जो भी रहे उनके ही है थे। दूसरे का लहू पिए उसको पिशाच कहते हैं, साचा सहचरा, इनके मित्र साथ में रहने वाले कौन है? वो हम एक दूसरे के जो लोई पीते हैं वो भी उनके सहचर ही तो हैं, है कौन और? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी तेरा कौन है? लेकिन ये समझ क्यों नहीं आई हमको कि जिसके संग रहते हैं वो प्रसन्न रह सकता है, हम क्यों सरपटक रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं? कई लोग बस भूतकाल की सोच सोच कर दुखी होते हैं, कई लोग भविष्य के आयोजन की चिंता में दुखी हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो व्यक्त मध्य है गीता का, जो तुम्हारे सामने है, जो प्रेजेंट है, उसको भी हम विष बना देते हैं। कल ऐसी रसोई क्यों नहीं की थी? कल ऐसी ही होगी उसके लिए भी गुस्सा, कल हो गई उसके लिए भी गुस्सा। सोचिए तो, उपाय है प्रसन्न रहने। ए, मुझे तो लगता है परमात्मा ने जो ये ब्रह्मांड बनाया है ये जीव की प्रसन्नता के लिए बनाया। वो उदास, आप सोचिए वो उदास था अकेला, उसको इच्छा हुई, अनीह को इच्छा पैदा हुई, जो इच्छा से मुक्त है ब्रह्म तत्व, ब्रह्म कैसा अनीह, उसने इच्छा को निमंत्रित किया, संकल्प को निमंत्रित किया, और एको हम बहुश्याम खेलने के लिए उसने सबको बनाया। तो जिसके माध्यम से ब्रह्म की उदासीनता मिट जाए, हमारे कारण हमारे साथ वो खेलता है तो उसकी उदासीनता मिटती है, तो हम
ब्रह्म को भी प्रसन्नता देने वाले सिद्ध हो गए, और ब्रह्म को जो प्रसन्नता दे सके ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि खुद अप्रसन्न क्यों रह रहा। चेतन अमल सहज सुख रास, मेरा गोस्वामी जी दस्तावेज पर सही सिक्का कर रहा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख रासी। निशानी उल्टी कर ली आदमी ने, कुएं में डाल दी। तो माया बस भय गोसाई, तो माया बस भय गोसाई, बंध्यो की मरहत बंध्यो की मरहत की जड़ चेतन ग्रंथि जदपि लुषा छूटत कठिनाई। जीव का स्वभाव है आनंदित रहना, फिर भी ये जीव क्यों अप्रसन्न है? प्रसन्नानन महादेव प्रसन्न है, सदगुरु लोग प्रसन्न है, हम क्यों अप्रसन्न है? सुविधा तो है। अब मैं जो वादा कर बैठा आपसे कि इतना किया जाए तो जरूर प्रसन्नता आ सकती है, आप उस पर अमल करें, कर नेक अमल और हर को सिमर उत्पातन कर, एक जन्म तुझे अनमोल मिला उसे बर्बादन कर, बर्बादन कर, करने एक अमल अमल कर और हर को उत्पादन कर, उत्पादन कर, ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया सो मिलता है, फरियादन कर, फरियादन कर, देव बड़े दादा बड़े शंकर बड़े भू, देव बड़े दादा बड़े शंकर बड़े भू, विनय पत्रिका, देव बड़े दादा बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दादा बड़े शंकर बड़े भोरे, ये दूरी दुख सबन के जिन जिन, जिन कर जोरे, ये दूर दुख सबन के जिन जिन कर जोरे। इतनी बड़ी व्यवस्था है कि हमको इतना बड़ा देव मिला महादेव, और केवल महादेव होता तो हम उसको नहीं स्वीकारते, लेकिन तुलसी जी कहते दातार भी है, जितना बड़ा इतना बड़ा दाता। लेकिन कोई बड़ा दातार दान दे लेकिन उसका जो दिया हुआ है वो हमको भोगी बना दे, हमको विषयी बना दे, तो दान हमारे लिए श्राप हो जाएगा। इसलिए तुलसी तीसरा शब्द कहते शंकर बड़े, शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, शंकर बड़े देव हैं, दातार हैं, कल्याण करने वाले हैं। लेकिन कोई बड़प्पन दातारीपन और कल्याण करने की बातें चतुराई से करे तो शंकर बड़े भोले, भोला है, निर्दम्ब है,
और जिन जिन ने उनके सामने केवल हाथ जोड़े हैं उनकी उदासीनता गई, उनकी अप्रसन्नता समाप्त हो गई। ऐसा देव कोई है दुनिया में? एक पत्र और थोड़े चोखा लगा दो और राजी हो जाए, चोखे के बदले में हाथी दे दे, घोड़ा दे दे, क्या क्या नहीं देता, ऐसा कोई है? विनय में गोस्वामी जैसा फतवा। देव बड़े दाता बड़े संगर गोरे, देव बड़े दाता बड़े संगर गोरे, ये दूर सबन के जिन जिन कर जोरे, ये दूर सबन के जिन 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 कर जोरे, देव बड़े दाता बड़े बड़े दादा बड़े संकर बड़े भोले। आगे बोले सेवा संग पूजी बो पात आखत थोरे, सेवा सुमिरन पूजी बो पात आखत थोरे, एक दो पत्र और थोड़े अक्षत आखत थोड़े दे दो, सेवा पूजा हो जाए। सेवा पूजी बो पात आखत थोरे, सेवा सुमिरन पूजी बो पात आखत थोरे, दिए जगत जहाँ लगी सब सुख गजरथ घोरे, दिए जगत जहाँ लगी सब सुख गजरथ घोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। आखिर में कहते हैं और बड़े तुलसीदास जी के शंकर जी के साथ बड़ी बनती है, बड़ी बनी उसकी। राम जी से तो तुलसी जी को बहुत मर्यादा रखनी पड़ती थी क्योंकि इष्ट जो ठहरा, लेकिन शंकर से बड़ी उसको कभी क्या क्या खट्टी मीठी सुना देते थे जब चाहे। कहते हैं महाराज एक बात कानखोर सुन ले, तेरी काशी में मैं निवास करता हूं वामदेव, तेरे नगर में मैं निवास करता हूं, लेकिन आज तक तेरे से मैंने कभी भीख नहीं मांगी, रहता हूं तेरे गांव में लेकिन मैंने कभी तेरा निहोर नहीं किया। इस पद में कहते वामदेव तेरे नगर में रहता हूं फिर भी तुझसे कभी याचना नहीं की है, और तेरे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये आदि भौतिक चिंताएं, ये वेदनाएं, ये जो छोटी बड़ी द्वंद्वे मेरे पीछे, ये तेरे किंकर हैं सब, ये तेरे मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने कभी याचना नहीं की तेरे पास। गांव बसत वामदेव मैं कब हूँ नहीं हो रे, गांव बसत वामदेव मैं कब हूँ नहीं हो रे, गांव बसत वामदेव मैं कब हूँ नहीं हो रे, गांव बसत वामदेव मैं कब हूँ नहीं हो रे, भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे, अरि भौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे, बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे, बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे, ये लोग बहुत कठोर कर्म कर रहे हैं, जरा रोको उनके, ये तुम्हारे किंकर हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको रोको, पहली बार मांग रहा हूँ, आज तक तुम्हारे गांव में रहकर तुझसे कभी मांगा नहीं, अब इन सबको संभालो। बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे, तुम्हारे इन नौकरों को जल्दी बुलाओ और बलात उसको रोको, सब कठोर है। बेगी बोली बलि बर जिए कर तुति कठोरे, तुलसी दली रुंझो चहे
सठ सा किसी हो रे तुलसी डाली हम दियो चाहे सठ सा किसी हो रे। भगवान शंकर ने पूछा आपको तकलीफ क्या है, बोले तुलसी के पौधे को ये तेरे लोग हैं दल करके रूंद करके जिसका अच्छा परिणाम नहीं ऐसा पौधा रोपने जा रहा है, तुलसी के पौधे को रौंदना चाहता है, उसको मचल देना चाहता है और जिस जो पूजनीय पौधा उसको लगा रहे मुझे परेशान कर रहे हैं, वो तो बड़ा है। देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, ये सबनी के जिन जिन कर जोरे, किए दूर दुख सबनी के जिन जिन कर जोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे, जो पहले दिया सो मिलता है, फरियाद न कर फरियाद न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला। तो आप गौर से सुनिएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा साहस आपके सामने किया है, आप मुझे अदालत में ले जा सकते हैं। यदि इतना करने के बाद प्रसन्नाननम स्थिति पैदा न हुई तो हो सकती, क्या गुनाह किया है कि हम प्रसन्न न रह सकते, स्वभाव तो प्रसन्नता का है, और शांति तब तक नहीं जब तक हम अपने निज स्वभाव में प्रतिष्ठित न हो जाए, निज स्वभाव में प्रतिष्ठित। मुझे कल एक प्रश्न पूछा गया था लेकिन एक शब्द में उसका ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो मैंने फिर शाम को पूछा कि ये और बात तो मैं समझ गया, लेकिन ये उसमें पूछा गया था कि स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे कि कोई भी भूल प्रकृति जन्य नहीं है, मानव जनित है। ईश्वर की जो एक निखिल ब्रह्मांड है उनमें कोई भूल नहीं है, वो तो सब व्यवस्था में चल रहा है। आभना थांभला रोज उभार है, वायुनो भींगनो रोज हाल है, उदय ने अस्तना धोरड़ा ऊपरे नटबनी रोज। दुनिया कितनी कितनी हो गई लेकिन सूरज कभी पश्चिम में नहीं उगा, वो पूरब में ही उठता रहता है, सब नियंत्रित है। भूल प्रकृति नहीं कर रही है, भूल मानव सर्जित होती है, और हमसे हमारे कारण जो भूल होती है उसको मिटाना उसको सुधारना उसी का नाम ही साधना है, ऐसा स्वामी जी मानते थे। तो पूछा गया था बापू क्या लगता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारे द्वारा जो भूलें हुई हैं उसको मिटाने का प्रमाणिक प्रयास ही साधना है, प्रमाणिक प्रयास। दंभी प्रयास थे, ये प्रमाणिक शब्द में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि प्रयास दो प्रकार के हैं, प्रमाणिक दंभिक प्रयास भी होता है लोगों का। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि आप सिगरेट बहुत पीते हैं, बंद करो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बोले प्रयास करूंगा साहब थोड़ी राहत दे दीजिए। रोज कितनी पीते हो, बोले दस सिगरेट पीता हूँ। तो बोले डॉक्टर भी विवेकी था समझदार था, उसको लगा कि एक साथ में 10 सिगरेट इसको छुड़वाना ठीक नहीं और तबीयत बिगड़ती जा रही, तो कहा अच्छा आपने कबूल किया कि मैं प्रयास करूँगा तो चलो मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप भोजन के बाद सिगरेट पीना। आदमी दो बार भोजन करता है दो पीने की मंजूरी दे दी, 10 पीते हैं वो बंद कर भोजन के बाद पीना, इतनी छूट दी क्योंकि एकदम सडन नहीं छोड़ पाएगा। 2 दिन के बाद रोता हुआ गया कि डॉक्टर ने तूने मुझे मार डाला। डॉक्टर ऐसे होते हैं, अरे बोले मैंने क्या किया, तो बस आपने जो कहा वो प्रयास मैंने किया इसमें मेरी दशा बिगड़ी, 2 दिन से इतना दुखी हूं क्योंकि आपने कहा कि भोजन के बाद सिगरेट पीना और मैं रोज 10 पीता था इसलिए आपकी बात रह जाए, इसलिए मैंने 2 दिन से 10 बार भोजन शुरू किया। हाँ
हर 2 घंटे भोजन, और 2 घंटे क्योंकि आपकी बात भी रह जाए, सदगुरु की बात टाले कैसे, सदगुरु बाय द बचन विश्वासा। भोजन की बात आपने कहा था, तो घंटे घंटे भर भोजन फिर सिगरेट पी, घंटे पर भोजन फिर सिगरेट की। लोग सिगरेट पीते हैं उनकी भी एक मस्ती होती है, देखने लायक होती है सिगरेट पीने वाले, उसकी भी एक मैं आपके एक प्रार्थना करूं, प्रसन्न रहे, एक और बात जोड़ दूं, प्रसन्न रहना है ना आपको, तो एक काम कृपया मेरी विनती है, सीख लो, यहां किसी को बुरा मत कहो, बंद कर दो बुरा कहना। तुम जज हो क्या इस निखिल ब्रह्मांड के कि किसी को भला कह दो किसी को बुरा कह, ये क्यों, न लायकात है न किसी ने आपकी नियुक्ति की है, बन बैठे हो जज, न लायकात बिल्कुल नहीं, तुमने कोई पढ़ाई नहीं की, न कोई उसके लिए तुमने क्लास अटेंड किए है, न तुमने कुछ किए, और बन बैठे हो जज, ये भला ये बुरा, ये बहन ऐसी ये भाई ऐसा, फला ऐसा बोलता है फला ऐसा, अरे न तुम्हारी लायकात है और न औकात है, और न किसी ने तुमको नियुक्त किया है कि तुम ये जज बन जाओ, और सब जज बनकर घूम रहे, मुजरिम कौन है पता नहीं, सब जज घूम रहे। अरे कई लोग तो मेरे पास भी आते, ऐसी कथा कहनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तू मेरा जज है, हट। कई लोग कहते संगीत में कथा नहीं करनी चाहिए, तू एम नम शुरू करना, हूँ मोकलीस 5 जना ने जाओ ने एक वक्त जो आओ, एक छोटे बच्चे के लिए भी तुम जजमेंट मत दो, क्योंकि ये चेतना है। खलील जिब्रान ने ठीक कहा कि बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे थ्रू संसार में आए हैं, बस इतना अहोभाव लो कि बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, हम माता पिता के, हम उनके द्वार बने हैं, हमने उसको मौका दिया एक चेतना को संसार में लाने, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे थ्रू आए। तुलसीदास जी, खलील जिब्रान को तो खबर नहीं, ये पता होगा कि नहीं, मेरे गोस्वामी जी पहले से लिख गए, जन्म हे तू सब कहती तुम्हारा, जन्म हे, माता पिता केवल बालक के जन्म के हेतु है, कर्म के हेतु नहीं है, इनके स्वभाव के हेतु नहीं, हाँ जिन्स में कुछ बातें आती हैं वो एक परंपरा है, माता पिता की कुछ बातें आ जाती हैं वो बात और है, कर्म सुभाशुभ देही विधाता, कर्म सुभाशुभ देही विधाता। अब मैं माताओं को पूछूं कि दूध फट जाए तो चाय बनाने योग्य न रहा दूध, चलो हा? किसी को मेहमान की खातिर के योग्य न रहा, लेकिन फटे हुए दूध से मावा नहीं बन सकता, बन सकता है कि नहीं, दही ढेफा जब न थी हुए अने आम तरतु है तो बाजरन रोटलो चोड़ी खाई न जवाय, एक आदमी बीमार हुआ है सही मात्रा में डॉक्टर की सवाद दवा ले तो क्या निरोगी नहीं हो सकता है, तो एक आदमी संसार में बुरा दिखाई देता है तुम जजमेंट दे देते हो कि बुरा है, क्या वो अच्छा नहीं हो सकता है, तुम्हारा फटा दूध मावा बनता है पेंडा बन जाता है, तो कोई भी आदमी पेंडो बनी सके, तुम क्यों जजमेंट दे रहे हो कि ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तुम इसलिए जजमेंट दे रहे हो कि तुम खुद बुरे हो, हिम्मत कैसे चलती है, ये पिशाचों को भूत प्रेतों को बगल में रखता है आदमी, कि कभी नहीं कहा कि तू हट यहां से, बिच्छू को सांपों को भस्म को मुंडमाला को, श्मशान में रहना जहां शव निवास करते हैं
उसको श्मशान कहते, शव का निवास वहां शिव का निवास। अब सोचिए तो, प्रसन्न रहना हो तो मंत्र सीख लीजिए और अपनी कमियों को प्रमाणिक प्रयासों के द्वारा मिटाना शुरू कर दीजिए, वही साधना है प्रमाणिक प्रयास। डॉक्टर ने दो बार भोजन के बाद खाने को कहा सिगरेट पीने को, तो 10 बार खाकर सिगरेट डॉक्टर की भी रह गई, खुद की रह गई, डॉक्टर की तो रही, तू जाएगा। प्रयास प्रमाणिक हो। बिगड़ी हुई वस्तु का आदमी आथा बना देता है, मलमूत्र से आदमी खाद बना देता है, तो तुम अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पड़ोसी को, ये बुरा है, ये फला है, फला छोड़ दो, बंद करो। यदि सत्संगी हो, यदि आध्यात्मिक हो, अध्यात्म गगन में उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, एक प्रतीक्षा का और दूसरा परमात्मा से प्रेम का, तो आदमी उड़ान भर सकता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बापू हम बैठे थे वहां, हमारे बगल में 2 भाई बैठे थे, वो सो गए, तू उसमें क्यों ध्यान देता है, तू मेरे में ध्यान रख ले, बैठो सो आखो। मेरे पास बहुत सी बात है। अरे मुझे, मैं ऐसे खुला बोलता नहीं, लेकिन कभी कभी कोई बहुत निकट को, कोई निकट दूर के सवाल ही नहीं, नमो निधिष्ठाए सब ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी विनोद में ऐसे जो समझ ले उसके सामने बोल दूँ। तो एक भाई ने मुझे कहाँ, जगन्नाथपुरी में रह गए उस समय चर्चा कर, जगन्नाथपुरी में, तो ये बनी घटना, वो भी सच्चा मैं भी सच्चा, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच, तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचू तू भी सोच, तेरे मेरे हाथ में, राजनेताओं को खास कहना है मुझे, सब सोचो इस देश के लिए, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच, तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचू तू भी सोच। एक संसद सभ्य ने संसद में ये शेर कहा था, ये गुजरात का सांसद था, उसने किसी बहस के दरमियान कहा था, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच, तू भी, मैं भी सोचू तू भी सोच, तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचू तू भी सोच। तो मुझे कहा कि बापू 9 दिन कैसे बीत गया पता नहीं लगा, लिखा मुझे उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, और फिर लिखा ये बहुत अच्छी बात, मधुर, वो भी सच मैं भी सोच, मैं भी सच वो भी सच, मेरा जवाब भी सच क्योंकि मैं जानता हूं। उसने लिखा 9 दिन कैसे चला गया पता नहीं, और बापू 4 घंटे कैसे चला जाता था पता नहीं, क्योंकि वो पूरा सो जाता था। अब कथा में जो 4 घंटे सो जाए, मैंने क्या थी पता लगे क्या, मुझे तू टू सू हूं। कई आशिक ऐसे बैठे हैं, हाँ जगा दो, हाँ भाई यही तो काम कर रहा हूं प्यारा। मैं भी सोचू तू भी सोच। श्री राधे। अब मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि मैंने देखा कि पूरा अनुष्ठान उसने नींद में पूरा किया। अब देखो उसकी साधना कैसी रहेगी कि मेरे मन में बस गया। जगन्नाथ धाम की बात मुझे ओमकारनाथ में याद करनी पड़ रही, अजी भुलाया नहीं जा रहा है, जितना भूलने की कोशिश करूं तुम और याद आए। अब जाओ प्यारे,
हाँ ભગવાન જાણે શું બોલે મારો રામ માં સુનાઈ નહીં દેતા જરા જોર સે બોલા કરો ચલો જિસે कैसे 3 घंटे निकल जाते हैं बापू पता नहीं तूने क्या दिन पता रहे भाई मैं लोकाभिराम शुरू करू नहीं तू ट्रांस सीधो आ लोक में थी बीजी दुनिया में छेले भूसुंडी रामायण पूरू थी जाए आजूबाजू में बदा उभे जाए ओहो कथा पूरी थी कि तो हमें न थे पूरी बात मैं भी सोचू तू भी सोच બાપ બાપ ચર્ચા ચાલ રહી હા અબ બાદ મેં શામ કો રોજ મિલતે હૈ બાત કર લેંગે માં તું ચૂપ રહે આમી ठाकुर राम कृष्ण देव को बहुत प्रिय था ये पद दुर्गा 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 बोले मां ज्योति बोली रे दिने ना तारो के मोने आखे रे दिने ना तारो के मोने जाना जावे गो झूम कोरी जाना जावे गो झूम कोरी आमी दुर्गा 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 मोरे माँ ज्योति मोरी आमी दुर्गा 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 किसी को भी बुरा मत समझो यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो और अपनी मानव सर्जित भूलों को
प्रामाणिकता से प्रयास करके मिटाना ही साधना। स्वामी जी ने जो कहा सही बात है। एक शब्द केवल मैं जोड़ना चाहूँगा, प्रयास प्रामाणिक हो, वो मरीज जैसा ना कि भोजन के बाद सिगरेट पीना, तो 10 सिगरेट पीने के लिए वो 10 बार भोजन करता है तो बीमार ही होगा, कौन जिम्मेवार उसका। तो फटा हुआ दूध यदि किसी एक और मिठाई के योग्य बन जाता, समाज की गंदगी मलमूत्र किसी खेत का खाद बन सकता है, टूटे फूटे ये प्लास्टिक के टुकड़े ये इनमें से लोग फ्लावर पॉट बना लेते हैं। ये हर चीज से कोई न कोई नवसर्जन होता है। तो क्या इतना यकीन नहीं जो ईश्वर ने बनाया वो इंसान बुरे से अच्छा हो सकता है? क्यों जजमेंट क्यों देते हो, ये बुरा है ये बुरा है ये बुरा है। किसने नियुक्त किया आपको, कौन लायकात है? तुलसी जी ने कहा कि मैं आपको केवल हंस वृत्ति से दूध पानी बता दूं, लेकिन मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा सी जगधानी निज प्रभु मई देख ही जगत के ही सन करम विरोध। मैं किससे विरोध करूं, मेरा किससे विरोध हो सकता है? प्रसन्न रहना हो तो सीखो, मुट्ठी में प्रसन्नता। अब हर पति को लगता है पत्नी ठीक नहीं है, मेरी मानती नहीं है, ऐसा करती है ऐसा, हर पत्नी को ऐसा लगता है कि पति ऐसा है, अब तुम कैसे सुखी होगे? हर सास को बहू खराब लगती है, हर बहू मानता करती है, मानता करती हर बहू कि मेरी सास भगवान मेरी सास को 100 साल की करे, मैं क्यों मेरी जीभ बिगाड़ू, वो जो मनोती करे उनको मुबारक। हर यही सोच में पड़े। अरे आदमी दूसरे को इतना इतना खराब समझने लगा कि अस्तित्व मिटाने पर तुल जाता है। अरे सावधान रहो जरा, लोग टूट बशीर बद्र का शेर, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में? लोग टूट जाए, बोलो तो ऐसा बोलो। अब तुम याद रखो, हूँ जमणी बाजू मूकू ने ई वाँचवाना, डाबी बाजू मूकू ई। एक आदमी 3 चश्मा रखता था, किसी ने पूछा कि 3 चश्मे क्यों रखते हो? बोले एक पढ़ने का, दूसरा बोले दूर देखने का, तीसरा कि कोई खो जाए तो ढूंढने का। उन फकीरों को, बशीर साहब का शेर जो उस दिन उसने कहा था, लिख कर मुझे किसी ने, उन फकीरों को गजलें सुनाते रहो। किसको सुना? उन फकीरों को, साधुओं को। अपनी कला किसी साधु के पास पेश करो, उसी में कला की सफलता। ये संसारी तो 2 दिन दाद दे देगा, लेकिन वो दुआ देगा, दाद नहीं देगा, दुआ देगा। दाद में और दुआ में बहुत अंतर है। दाद तो 2 घड़ी की है, इससे कोई अच्छा कोई शेर सुना देगा तो उसको दाद देगा, लेकिन दुआ जिसको दी। प्रत्येक कला शुभ चरणों में पेश होनी चाहिए, इसलिए शंकर समस्त कला के गुणधाम है। ब्रह्म कुल वल्लभम सुलभ मति दुर्लभम शंकरम शंकरम संप्रदम विनय सजनानंदनम शंकरम संप्रदम सजनानंदनम शैल कन्यावरम परमारम्यम शैल कन्यावरम ब्रह्म कुल वल्लभम सुलभमति दुर्लभम ब्रह्म कुल वल्लभम सुलभमति दुर्लभम विकट वेशम विभुम वेद पारम विकट वेशम विभुम वेद
वेद पारम नौमी करुणा करम गरलं गागरम नौमी करुणा करम गरल गंगागरम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम निर्मलम निर्गुणम निर्विकारम शंकरम संप्रदम सजनानंददम शंकरम संप्रदम सजनानंददम शैल कन्यावरम परमरम शैल कन्यावरम परमरम आखिर में तज्ञ मज्ञान पाथो दिगर संभवम तज्ञ मज्ञान पाथो दिगर संभवम सर्वगम सर्व सौभाग्य मूलम सर्वगम सर्व सौभाग्य मूलम प्रचुर भव भंजनम प्रणत जन रंजनम प्रचुर भव भंजनम प्रणत जन रंजनम दास तुलसी शरण सानुकूलम दास तुलसी शरण सानुकूलम 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 हर्ष क्योंकि शंकर एकमात्र है सकल कला गुणधाम चाहे चित्र हो शिल्प हो संगीत हो शब्द हो साहित्य हो कविता हो कोई भी जगत की नृत्य हो उनके चरणों में जब जाती है तब कला कृतकृत्य हो जाती है। बहुत अच्छा शेर शीर साहब का। उन फकीरों को गजलें सुनाते रहो उन फकीरों को गजलें सुनाते रहो जिनकी आवाज में दरगाह की खुशबू आ रही है। ऐसे महापुरुषों के पास सुनाया जाए कि वो बोलता हो तो किसी दरगाह की खुशबू आए किसी समाधि का धूप निकले किसी मंदिर का धूप की गंध आए। ऐसे महापुरुषों के पास दुनिया तो दाद देती है महापुरुष दिल दे देता है दुआ दे देता है और दाद से दिल और दुआ की महिमा अधिक है। बहुत से शेर लिख दिया। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। पता कैसे लगा कि भाई उसने छुआ और तू पत्थर से इंसान हो गया ऐसा कैसे पता? तो पता लगा उसका जो प्रमाण दिया है बड़ा प्यारा। उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया। प्रमाण क्या? मुद्द तो बाद मेरी आंखों में आंसू आए कि पत्थर दिल था संग दिल हो गए बेवफा हो गए संग दिल। अरे तुम जवान होते क्या से क्या हो गए। मेरा आईना भी मेरी तरह पागल है आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए आईना देखने जाऊं तो नजर तू आए क्योंकि मेरा आईना भी मेरी तरफ पागल है। बिलक बिलक विषय से बिलक बिलक है लेकिन आत्मा आ गया तो माड़ा बनाई दो एक करण नु फूल एक गुलाब नु एक धतुरा नु फूल ओंकारेश्वर ने चढ़ाई दो। खुदारा फिर दोबारा हाथ रख दो सीने पर खुदारा फिर दोबारा हाथ रख दो मेरे सीने पर मेरे दर्द जिगर में कुछ कमी सी मालूम होती है। जब तक तेरा हाथ दिल पर नहीं रहा तब तक मुझे दिल में थोड़ी कमी महसूस होगी इसलिए खुदारा फिर दोबारा मेरे सीने पर हाथ रख दो। दर्द होता नहीं सभी के लिए ये है दौलत ये ऐसी दौलत है किसी किसी के लिए
कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुम कौन भूल पाएंगे हमें ऐसा लगता है। शोभित ने जो शेयर किया था, शोभित भैया, हाँ सौ ने प्रेम करवाने लीधो तो मैं जन्म, हाँ सौ ने प्रेम करवाने लीधो तो मैं जन्म, पण वचमा तमे जराक वधारे गमी गया। हम तो बधाने प्रेम करवा माटे मैंने जन्म लिया था, लेकिन आप जरा ज्यादा प्रिय हो गए। दिला एक मिनट, परखना मत परखने में अपना कोई नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। पत्थर कहता है मुझे मेरे चाहने वाला, मैं वो हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियाँ जलाने में। हमारे कुमार साहब तो चले गए, लेकिन हमारा बंकवी साहब कुमार साहब कहा करते थे कि चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, चराग जलने चाहिए मकान जल रहे। क्या हो गया देश को, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं। फिर शायर समाधान लेता है कि शायद ऐसा होगा, ऐसा माना जाए, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं। नया है जमाना नई रोशनी है, जमाना नया है इसलिए रोशनी के डंग भी नए हो गए। अस्तित्व मिटाने पर आदमी तुल जाता है, प्रकृति ने तो कोई भूल नहीं की। सूरज वैसे ही निकलता है, नदियां अपने ढंग से बहती हैं, सागर अपनी मर्यादा में उछलता रहता है, वृक्ष समय पर फलित हो जाता है, धूप सर्दी वर्षा अपने समय पर ऋतु क्रम से आ जाती है, सब नियंत्रित है विश्व में। इंसान भूल पैदा करता है और इन भूलों को मिटाने का प्रामाणिक प्रयास का नाम ही साधना। केवल माला जपो ये साधना मात्र नहीं है, माला जपनी चाहिए, लेकिन अपनी भूलों को प्रामाणिक प्रयास से मिटाने की कोशिश न करें और केवल माला ही जपते रहें तो साधना का फल तो मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। फल मिले और रस न मिले तो कौन काम का। तो ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है मेरी समझ में स्वामी जी महाराज का। मानव ने खुद ने भूले की हैं उसको मिटाना साधना है, लेकिन प्रामाणिक प्रयास। कौन खराब है, क्यों जजमेंट देते हैं? किसने नियुक्ति की आपकी? कभी बीबी को बुरा कह दिया, कभी पति को बुरा कह दिया, कभी भाई को बुरा कह दिया, कभी पड़ोस को बुरा कह दिया, कभी ये सब। प्रसन्न रहना हो तो किसी को भी बुरा कहना छोड़। अब आप कहें कि सही में बिल्कुल कोई बुरा है तो भी बुरा न कहे ना, दूध फट गया है मावा बना लो। रात नो वासी रोटलो दही मां चोळीने खाई जो, शिरामण थई जशे। शिखामण शुं आप्या करो छो, शिरामण करो ने, જ્યાં જોઈએ ત્યાં શિખામણ શિખામણ શિરામણ શીખ, ભલામણ ને શિખામણ સિવાય બીજું કંઈ કરતા જ નથી। ભલામણ તમારે આમ કરવું જોઈએ, તમારે આમ કરવું જોઈએ, તમારે આમ કરવું જોઈએ, તો તારું કેમ ઠેકાણું નથી? આમાંથી 5% તું કર તોય ઘણું થઈ જાય। અમારે ગુજરાતીમાં જ લોકો, અમારા સાહિત્યકારો કહે ને ગુજરાતીમાં લોકો કહે, મારું તમે જો માનો તો, પણ તારું અમે શું કામ માનીએ? તારા ઘરવાળાએ તારું માનતું નથી ને અમે શું કામ માનીએ તારું? એ માને છે, તું ભીંડાનું શાક કહેશ ને એ કાંઈ એકેય શાક નથી કરતા, કાશી કઢી કરીને ઊભા રહે, છાશ વગાડીને ઊભા રહે, તું ભીંડાનું શાક, ભીંડાનું શાક, ભીંડાનું શાક, તું ગાંઠિયાનું શાક કરી દે, કાંકરાના કરે શાક, લોકો કાંકરાના શાક કરે અમારે ગુજરાતી। आपने आपने सुना है मालवा में होता है कंकर का सब्जी, कंकर की गुजराता
કાંકરામાં શાપ કરે ત્યાં ગાંધી પાકે, કાંકરામાં શાપ કરે. ઇસમે ક્યા કરતે, વિશેષ મિટ્ટી કે કંકર ચુને જાતે, વઘારે, કાંકરાને વઘારે, હળદરને મીઠું ને ધાણા ને જીરું ને રાય ને મેથી ને આવતો જાતો ગોળ ને ચપટી ખાંડ નાખી વઘારે. ઇસમે ક્યાં હોતા, કાંકરો ખવાય તો નહીં, નહીતર બધું જાય, દેવના દીધેલાય વૈયા જાય. કાંકરો ખાવ તો ઓલા દેવના જે દીધા એ ઉપડી જાય, કાંકરો લેતો જાય. કીધું અમે તારા ઘરે મહેમાન છે, તારે આવવું જ પડશે, હું તને લઈને જાઉં. દેવના દીધેલા ન રહે, દાંત દેવના દીધેલા, તમે મારા દેવ. શ્રી રાધે શ્રી રાધે, વાહેગુરુ વાહેગુરુ. આજ મુજે ચિઠ્ઠી આવી કે બાપુ આપ પંજાબ કો બહુત યાદ આ રહા, યાદ કરતે હૈ રુદ્રાષ્ટક મેં, તો આપકા ફર્જ નહીં કે થોડા રુદ્રાષ્ટક આપ પંજાબ મેં કરે. એસે એક ચિઠ્ઠી આવી. જિસકે પંજે મેં દેશ કી આબરૂ હૈ ઉનકા નામ પંજાબ હૈ, ઓર પંજો મેં દેશ કી આબરૂ પંજાબ. હવે તો ગુજરાતનું પતી ગયું એટલે વાંધો નહીં આમ તો, પણ બીજે શરૂ થવાનું છે ને એટલે. જિસકે પંજે મેં દેશ કી શાન હૈ ઉસકા નામ હૈ પંજાબ. મુજે બહુત અચ્છા લગતા, હર પ્રાંત ભારત કે સભી પ્રાંત એ અપના ગુલશન હૈ, સારે જહાં સે અચ્છા યે હિન્દોસ્તાં હમારા, હમ બુલબુલે હૈ. ચાહે ગુજરાત લો ચાહે મહારાષ્ટ્ર લો, માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા. જગદગુરુ તુકારામ કો યાદ કરો, જ્ઞાનદેવ કો યાદ કરો, નામદેવ મહારાજ, હનુમંત અવતાર માના જાતા થા સમર્થ રામદાસ, જનાબાઈ મુક્તાબાઈ એક નામ. જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, જય જય વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા, માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, ઓ માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, ઓ માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા, ઓ માઝા વિઠ્ઠલ પાંડુરંગા. હર પ્રાંત હમારે દેશ કા, હર દેશ કી ધરતી ન્યારી હૈ, હર દેશ કી ધરતી પ્યારી હૈ, હર દેશ કા અંબર નીલા હૈ, હર આંખ કા આંસુ ગીલા હૈ. મજબૂર સાહેબ, ક્યું ટુકડે કરતે હો, ક્યું વિભક્તિ મેં જીતે હો, હર દેશ કી ધરતી ન્યારી હૈ, હર દેશ કી ધરતી પ્યારી હૈ, હર દેશ કા અંબર નીલા હૈ, હર આંખ કા આંસુ ગીલા હૈ. અરે કુછ લોગ હી ગંદે હોતે હૈ, બાકી તો સબ અચ્છે હોતે હૈ, કુછ લોગ હી ગંદે. હર એક પ્રાંત અદભુત હૈ, ઉધર બિહાર મેં ચલે જાઓ, દેશ કાલ કે કારણ કુછ હોતા હો છોડો સબ, બાકી જહાં ગૌતમ બુદ્ધ મહાવીર, બિહાર કિતના સુંદર પ્રાંત. ઓ પહુના અબ મિથિ લેને રહુના, ઓ પહુના અબ મિથિ લેને રહુના. ભગવાન રામ કા બ્યાહ હો ગયા, ઓર જબ ભગવાન કો અબ અયોધ્યા જાને કી બાત આઈ, તો મિથિલાની સ્ત્રીઓ યે બિહાર વાસીની સ્ત્રીયા રો પડી, ઓર રામ કો કહેતે એ પહુના, એ અતિથિ, યે મહેમાન, પ્રાર્થના કરતે થોડા ઓર મિથિલા મેં રહે જાઓ, જાઈયો મત, રહો યહાં સે ન જાઓ, વિનય કરતી હૈ, અનુનય કરતી. Oh.
आप रह जाओगे। राम जी को मिथिलानी स्त्रियां कहती हैं, बिहार वासिनी माताएं कहती हैं, आप यहां रहोगे तो हम क्या करेंगे आपके लिए, सुनिए। रोज सवेरे उपटन मली मली, रोज सवेरे उपटन मली मली, इतर से नहवायब, इतर से नहवायब, एक महीना के भीतर में, एक महीना के भीतर में, करिया से गोर बनायब, करिया से गोर बनायब। झूठ कहत ना बानी बतिया, 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 मौका एको देहू ना मिथिले, एको देहू ना अब मिथिले में रहूना, ओ बहुना अब मिथिले में रहूना। मिथिलानी कहती है, रोज आप रहोगे ना तो हम क्या करेंगे, रोज आपको उपटन मिलेंगे, इत्र वाला उपटन, हल्दी वाला, केसर वाला उपटन। राम जी ने पूछा कि इससे क्या होगा, कितने तो रहे, अब तो जाने दो। बोले नहीं नहीं, प्रार्थना कर दें, रोज सुबह में आपको उपटन करेंगे हल्दी केसर से, इत्र थोड़ा थोड़ा डाल करके, तो फिर क्या होगा। बोले एक महीने में आपको हम काले से गोरे बना दें। अब काले है ना, हमको अच्छा नहीं लगता, हमारी सिया जो कितनी गोरी, वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं लेकिन फर्क फर्क है, ये इतनी गोरी आप इतने काले, तो थोड़ा और ठहर जाओ, जाइएगा मत। ओ बहुना अब मिथिले में रहूना, ओ बहुना अब मिथिले में रहूना, नित नवीन मन भावन व्यंजन, नित नवीन मन भावन व्यंजन, परो सब भरी भरी थाली, परो सब भरी भरी थाली, भूख स्वाद बड़ी जाई सुनी सुनी, भूख स्वाद बड़ी जाई सुनी, सारी सरहज किए गारी, सरहज किए गारी, बार बार हम कर बनी हो रा, 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 और किछियो ले हुना, और किछियो ले हुना, अब मिथिले की अपनी महिमा। महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, धरती धोरारी धोरारी, धरती धोरारी धोरारी, धरती पीरारी पीरारी,
धरती मीरारी मीरारी धरती मीरारी मीरारी तो सुरदा को शरणाए पर देव रमण में आए हीरो जस नारी नर गाए धरती धोराई धरती धोराई आ तो सुरदा को शरमाए पर देव रमण में आए हीरो जस नारी नर गाए धरती धोराई धरती जयपुर नगरारी पटरानी जयपुर नगरारी पटरानी कोटा बूंदी गज अनजानी कोटा बूंदी गज अनजानी चंबल के वे मेरी पानी धरती धोरारी धरती धोरारी चंबल के वे मेरी पानी धरती धोरारी धरती धोरारी धोरारी धरती धोरारी 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 धरती धोरारी धोरारी हर प्रांत की अपनी महिमा है। यूपी कैसे आरू जमुना कैसे आऊ जमुना के कैसे आऊ जमुना के पाऊ बड़ी जंजीर काना पाऊ बड़ी जंजीर कैसे आऊ जमुना के कैसे आऊ कैसे आऊ जमुना के पी गुजरात में चलिए अन बिस्मिल बेटा ओली माता ने भाने कायो कसुमी नो हो राज माने नायो कसुमी नो हो राज माने नायो सब अपने अपने प्रांत की महिमा है। वे कच्छ चले जाइए मठड़ो असाजो वतन मुके वालो असाजो वतन मुझे मातृभूमि के नमन मुझे मातृभूमि के नमन नमन मातृभूमि के नमन। तो हर प्रांत की अब हर प्रांत की तो मुझे भी नहीं आती बात। एक आध साउथ का ले लो एक आध टुकड़ा सा हिंदू दक्षिण भारत को बुरा न लगे। कंगड़ी द्यात को कावेरी रंगन नोड़ दे कंगड़ी द्यात को कावेरी रंगन नोड़ दे कस्तूरी रंगन नोड़ दे कंगड़ी द्यात को कावेरी रंगन नोड़ दे।
ओंकार नादानो संगान मोगान में शंकराभरण ओंकार नादानु संधान गान में शंकराभरणमु शंकराभरणमु। मुझे मौत भी कभी मार नहीं सकती क्योंकि मैं महाकाल की नगरी में बसता हूँ। मालवा का ये महान कवि शिव मंगल से सुमन मैं छिप्रासा सरल तरल बहता हूँ, मैं कालिदास की पहचान हूँ, ऐसा कहने वाला। मालवा की अपनी प्रतिष्ठा, हर भूमि की अपनी प्रतिष्ठा, पंजाब पंजाब है। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो चाहे चना चबेना, 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 कभी तो चाहे चना चबेना। कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी। तो हम जजमेंट न दे, कोई बुरा है कोई क्या है, जो है बच्चा बुरा नहीं है, हमारे थ्रू आया है बस, बाकी तो वो चेतना उनकी। जन्म है तो सबका पितु माता कर्म सुभाषु। तो प्रसन्न जिसको रहना है, प्रसन्नाननम नील कंठम दयालु। तो चाबी सीख लो, बिगड़ी हुई वस्तु सुधर सकती है, उसका कोई न कोई सदुपयोग हो सकता है। तो बिगड़ा हुआ आदमी नहीं सुधरेगा क्या? क्या वो बिगड़ा हुआ ही रहेगा? उसको कोसते रहो, उसको डांटते रहो, मारते रहो, नहीं कतई नहीं। उसको समझो, मैं तुझको याद आ जाऊं जिस बुराई में, उस बुराई में बुरा क्या है? मैं तुझको याद आ जाऊं जिस बुराई में, अरे जरा जवाब तो दीजिए, उस बुराई में बुरा क्या कि तू मुझे याद करे? वो कोई बुराई हो सकती है? वरना तू कैसे याद करता? ये खराब है, ये फला खराब है, फला भाई ऐसा, फली बहन ऐसा, छोड़ो भलामण शिखामण बंद करो, शिरामण करो। अब एक और बात, चलो सावधान, नजर रखो मेहरबान, सोने की छड़ी रुपए की मशाल नहीं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा शास्त्री जी, हमारे बहुत अच्छे बिल्कुल छोटे शास्त्री हैं यहाँ, हमको बच्चा अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। नमो अष्टाय प्रिय दवदविष्ठाय च नमः। वृद्ध में वृद्ध, छोटे में छोटा, सर्वाय सब नमन के योग्य है। एक एक सवाल मिलन केम कथा करूं, मैंने खबर पड़ती बेटा, खबर पूछते जाओ, बातों करते जाओ, कथा
થોડી દિલાને પાછું રોકતો જાઉં કે એક મિનિટ. I am talking with you. This is not my lecture. અંગ્રેજી માં સમજો ને તમે? હા તો સુનો, કભી કભી ઇંગ્લિશ ભી સુનો. આપ મુજે અંગ્રેજી કા નહીં આતા. ક્યાંથી ગુજરાત થી આવો છો બાપુ? લેર કરો, એ ગુજરાત નો ટોકો છે, બીજા ન આવે. એ આપણા મલક નું પાણી છે ભાઈ. વાહ વાહ, ધન્યવાદ બાપ. ભીખુદાનભાઈ કેમ છો? ભીખુદાનભાઈ બહુ આનંદ. હરી હરી. એક પ્રશ્ન, દક્ષિણા મેં નહીં, દાન મેં નહીં. શાયદ દક્ષિણા લેને મેં આપકો તકલીફ થો કે ભાઈ હમ દક્ષિણા કહાં સે લે, કેસે લે? દાન ભી ન લે ચલો, કે ભાઈ હમ કેસે દાન? એક દિન મુજે કિસીને પૂછા થા કે બાપુ આપને દાન કા દોષ બતાયા, દાતૃ દોષ, કાળ દોષ, દેશ દોષ, વસ્તુ અગ્રાહ્ય દોષ. તો બાપુ હમ તો યહાં સબ ભંડારે મેં ભોજન કરતે હૈ તો વો દોષ નહીં લગતા એસા? અચ્છા નહીં, એ તુમ ભોજન નહીં કરતે હો, એ પ્રસાદ પાતે હો, ઓર પ્રસાદ કા દોષ નહીં હોતા. એ તો ઉપનિષદ કહેતા હૈ અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. બ્રહ્મ સમજ કરીએ, ઠાકોર કા ઓમકારેશ્વર કા પ્રસાદ હૈ, ઉસમેં કોઈ દોષ નહીં. ઉસમેં ક્યાં દોષ? અચ્છા પ્રશ્ન પૂછા. તો દાન નહીં, દક્ષિણા નહીં, ઉસમેં શાયદ આપકો સંકોચ હો, લેકિન ભેટ તો બડે બડે મહારાજા ભી લેતે થે ને, બડે બડે સમ્રાટ ભી લેતે હૈ ભેટ. તો ભેટ મેં તો લેને કા, તો ભેટ શબ્દ મેં પ્રયોગ કર રહા હું. અબ મેં પૂછતા હું, સાવધાન, ખબરદાર. પૂછો, આપકો 1000 રૂપિયા કી નોટ કોઈ ભેટ દે તો આપ લે લોગે? દાન દક્ષિણા નહીં હૈ, ભીખ નહીં હૈ, યે ભેટ હૈ રામ જન્મ કી. ચલો 1000 રૂપિયા કોઈ ભેટ દે આપકો નોટ તો આપ લે લોગે? આખી મારી વાત તોડી નાખી, આખો મને ભાંગીને ભૂકો કે મેં કે હા, આખો ઉત્સાહ તોડીને હાવ ખાડા. ને સોચા ને સમજા ને દેખા ને ભલા તેરી આરજુને હમે માર ડાલા. એસા તો નહીં સોચા થા. ધન્યવાદ બાપ, બહુત અચ્છી બાત. અપની અપની રાય હૈ, અપને આપણા સ્વભાવ હૈ. જરૂર જરૂર, તેરી આરજુને હમે માર ડાલા, મોહબ્બત કી જૂઠી કહાની પે રોયે. તો ઉસકે તો અપના નિજી અભિપ્રાય પૈસા કા, લેકિન 1000 કી નોટ આપકો કોઈ ભેટ મેં દે તો આપ લે લેંગે? આપ ખુલકર જવાબ દો ના, ડરતી ક્યું હો? જો તો મેં કોઈ કોઈ નાપાસ બાપાસ કરને નહીં આયા હું યાર. હા હમ ટીચર ટીચર કા જબ પઢ રહે થે ને, ટ્રેનિંગ લે રહે થે હમ પ્રાઇમરી ટીચર કા, તો હમકો સ્કૂલ મેં જાકર પાઠ દેના પડતા થા, ઓર વહાં હેતુ કથન બચ્ચો સે નિકલવાના પડતા.
ऐसे ऐसे प्रश्न जो पाठ हमको उसको सिखाना होता है, वो सीधा नहीं कहे कि हम शिवाजी के ऊपर आपको आज पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। उसका हेतु कथन करना पड़ता, इधर उधर के प्रश्न पूछकर बच्चों के मुंह से निकलवाना पड़े, कैसे भी प्रश्न पूछे वो बच्चा बोल जाए शिवाजी, चलो अबे आपड़े शिवाजी ऊपर आ जाए बड़ी से तो काला काटता है इस मास्टर मारो राम। अच्छा अच्छा चलो भाई चलो चलो हाँ अच्छा 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 सुबह हो गाओ मंगल गाने सुबह हो सुबह चलो पछी थोड़ी वार ले आ तो तमे लई लेशो ने चलो। लेकिन ये नोट 1000 की मैली है तो हाँ मैली है चलो तो ले लेंगे चलो। वो नोट भीगी है तो ले लेंगे। वो नोट छपने के बाद 2 साल हो गई पुरानी है तो ले लेंगे। वो नोट बिल्कुल नई नहीं किसी ने गोटो वाली पानी में नाखी दी थी तो ले लोगे ना। क्यों ले लेते हो? भीगी है पुरानी है उसको ऐसे ऐसे कर दी गई है फिर भी क्यों ले लोगे? 1000 की उसका कोई मूल्य है ना? उसका कोई मूल्य है। पुरानी है बिगड़ी है कीचड़ में सनी है फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि उसका मूल्य है। तो इंसान का कोई मूल्य नहीं? ये बुरा है ये खराब है ये फला है ये कीचड़ में पड़ा है, तुम्हारे हाथ लंबे हो तो निकालो उनको धोकर अच्छा बनाओ। एक नोट ले लेते हो तुम कैसे भी हो तो इंसान को दोष क्यों देते हो? उसको लेने में इंसान का तो कितना मूल्य है, वो परमात्मा का श्रेष्ठ सर्जन, उसको बुरा कैसे कह सकते हो? किसने नियुक्ति की आपकी? कौन लायकात है जज होने की? और ये बुरा फला 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 नहीं। प्रसन्नता यदि रखनी है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम तो कुछ चाबी है। 3 वस्तु छोड़ दो तुम सदा प्रसन्न रह पाओगे। वादा और मैं जानता हूं जो वादा किया निभाना पड़ेगा निभाना पड़ेगा। वादे तेरे वादे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो बाप भठाग्रह छोड़ो। प्रसन्न रहने का एक मंत्र है भठाग्रह छोड़ो, अपनी जिद छोड़ो। हम पहले गाते रहते थे तुम जिद तो करो हम क्या तुम्हें सुनाए हम क्या तुम्हें सुनाए नगमे जो खो गए नगमे जो खो गए
उसे कैसे गुनगुनाए, कैसे गुनगुनाए। तुम से तो साए में आंसू कोई कैसे मुस्कुराए, साए में आंसू के कोई कैसे मुस्कुराए। नजदीक आ रे आए हम दूर हो गए, नजदीक आते आते हम दूर हो गए, हम दूर हो गए। इन वादियों से कहें, इन हमको न भूल जाए, हमको न भूल जाए। तुम जिद तो हम क्या तुम्हें सुनाए, हम क्या तुम्हें सुनाए। नगमे जो खो गए उसे कैसे गुनगुनाए, उसे कैसे गुनगुनाए। तुम जिद तो कर रहे हो, तुम जिद तो कर रहे हो। चाहे वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे धन और प्रतिष्ठा के लिए हो, चाहे किसी जमीन जागीर के लिए हो, आज जिसको प्रसन्न रहना है वो अपना हठाग्रह छोड़े। दुर्योधन मार खा गया एक ही कारण, हठाग्रह। इस आदमी की जो हठाग्रह था, भानुमती ने एक बार कहा दुर्योधन, सुहागन भानुमती दुर्योधन की धर्मपत्नी। युद्ध के लिए जब निकला दुर्योधन, क्षत्रियाणी स्वागत करती है ना, क्षत्रियाणी तो वो ही कहलाती है ना, टीका करती है, पता नहीं जिंदा लौटेगा नहीं क्या खबर, लेकिन स्वागत करती है, जाओ। लेकिन भानुमती बड़ी समझदार थी, उसने पूछा कि मुझे अपशुकन हो रहे भगवान, आर्यपुत्र ज्येष्ठ किस बात का, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरी आत्मा की आवाज में आपको सुना तो दूं, फिर मिलना हो ना हो। क्या भानुमती कहा, शायद आप विजयी होकर लौटोगे तब अपने सिर पर कलश रखकर एक भी सुहागण नारी तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं रही होगी, हर विधवा हो चुकी होगी। सोचो कलश लेकर कोई सुहागण स्त्री आपका स्वागत नहीं कर पाएगी जब आप लौटेंगे। भानुमती
एक बात कह दूं क्या? मैं लौटने वाला नहीं, तुम्हारी भी यही दशा होगी। आप जानते हैं उन्हें, मुझे भी लगता है कि विजयी नहीं होगी, तुम्हें भी विधवा होना पड़ेगा। तो फिर बोले, मेरे स्वभाव में जो जिद का स्वभाव है मैं छोड़ नहीं पाता, मेरा हठ का जो स्वभाव है, मेरा हठाग्रह मैं छोड़ नहीं पाता। मैंने जो ठाना है वो करके रहूंगा। और रावण हठ सब ही कर पंथ गिला, हो ही भजन नहीं तामस देहा, मन परम वचन हठाग्रह। इस दूसरे संदर्भ में मैं उसको यहां रख रहा हूं। बाली हठ लेकर बैठा है, नारी सिखावन करे सी न कान, वो बेचारी रो रही थी तारा, वो अपनी जिद पर अडिग था, अपने हठाग्रह जमीन के टुकड़े के लिए हठाग्रह, थोड़ी जमीन जायदाद के लिए। एक सब्जी आप खाने बैठे हैं और उसमें एक रात का उड़ता हुआ कीड़ा पड़ जाए तो कीड़े को आप निकाल देते हैं ना सब्जी को खाने के लिए, निकाल दो, जो कुछ कचरा पड़ गया, कीड़ा नहीं, चलो कचरा पड़ा तो निकाल देते हैं, क्योंकि सब्जी खाई जाए। संबंध बिगड़ जाते हो तो थोड़े पैसे देने पड़े तो फेंक दो ना, संबंध बनाए रखो, सब्जी बनाए रखो, थोड़ा कचरा फेंक दो ना, धन आखिर कचरे से और ज्यादा है भी क्या, हजारों के हाथ में पीटी पिटाई नोट आती है। पैसों के कारण यदि संबंध बिगड़ रहा, पदार्थों के कारण यदि संबंध बिगड़ रहा, जमीन के कारण संबंध बिगड़ रहा है, तो एक सब्जी को बचाने के लिए जैसे कचरा फेंक देते हो, वैसे प्रेम का रिश्ता निभाने के लिए क्या ऐसी चीज का त्याग नहीं किया जा सकता? यदि आप सत्संग कर रहे हैं तो सत्य रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए, बाकी सब गलत बातें हैं। कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितन। हठ छोड़ो बाप, सबसे जिद करोगे मौत से जिद नहीं चलेगी। तू कौन मुझे लेने वाला, अरे चल, एमए तक पास होई, उत्तम अभ्यास होई, खास होई सूजन सपूत खानदान का, अने कर्नल कप्तान होई, जत्रल जुवान होई, फौज की कमान होई, तोरण तूफान का, ऐसे इंजीनियर होई, मापगिरी मेर होई, कला बहतेर होई, वाकिफ कुरान का, सुखद स्वभाव होई, दिल दरियाव होई, लेकिन पिंगल बचाव अंत बने नहीं प्राण का। चाहे कुछ भी हो, इस तन धन की कौन बड़ाई, जिस वस्तु से संबंध बिगड़ जाए, स्वादिष्ट व्यंजन बिगड़ जाए, वो वस्तु को हटा दो, उसको निकाल दो, हठाग्रह छोड़ो। यदि प्रसन्न रहना है तो छोड़ो, त्यागो। त्यागने से अक्रोध आता है, अहिंसा से सत्य पैदा होता है, अपैशुनम से शांति पैदा होती है, ऐसा गीता में लिखा है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैशु, इसका क्या अर्थ करोगे? गीता के मंत्र का विधायक अर्थ लो, मेरे में प्रार्थना करूं, निषेधात्मक नहीं, निषेध निषेध निषेध, ये करो नहीं, विधायक अर्थ उठाओ, गीता विधायकता के लिए, निषेध अर्थों के लिए नहीं है।
मैंने गीता जयंती को कहा था कि गीता कोर्ट में हाथ देकर कसम खाने की चीज नहीं, कोर्ट में रखने की चीज नहीं, गीता हार्ट में रखने की चीज है। केवल उस पर हाथ रखकर कसम खाने की बात नहीं है, हार्ट में रखकर उसकी खुशबू फैलाने की बात है। कितना अद्भुत अवतार हुआ गीता जैसे ग्रंथ का इस देश में। और गीता का रामायण का देश में कुछ ना समझ लोग अर्थ कर रहे हैं, जिसको कोई पता नहीं वो अर्थ कर रहे, ऐसा है ऐसा, तू रहने दे। अहिंसा से सत्य आएगा, सत्य कैसे आएगा, अहिंसा से, मन वचन कर्म से। आप किसी को दुख न दो, सत्य अवतरा आप में, सत्य प्रकट हुआ आप में। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दोष न दे, किसी को दुभे ना, दुभाए ना, सत्य पैदा हो। त्याग से अक्रोध, क्रोध ना आए हम में, कैसे आएगा त्याग से। किसी ने कहा भाई आपने ऐसा किया था, अच्छा स्वीकार कर लो, जिद छोड़ दो, क्रोध शांत हो जाएगा, तुम ठीक है, चलो रजब रोशन कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं है। त्याग से अक्रोध पैदा होगा, और किसी की कुथली न करने से शांति पैदा होगी। किसी की पीछे से निंदा, पिशुन पराई पाप कही देगी, अपेशु अपेशु न, पिशुनता छूटने से शांति। हमारी अशांति का कारण है हमारी पिशुनता। तुम शायद पिशुनता न करो, खुद दूसरा करता उसमें राजी भी मत हो, तुम राजी हुए और पाप के भागीदार हुए। मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोग ऐसे होशियार होते हैं, खुद बोलेंगे नहीं लेकिन दूसरे को कुछ चोट होगी तो अंदर से राजी होंगे, तो पहले जिम्मेवार। लाओत्सु का एक सूत्र है, कोई आदमी किसी की हिंसा करे लेकिन इस हिंसा के पीछे न उसको रस है न उसकी रुचि है, तो उनकी हिंसा अहिंसा है। लाओत्सु को समझना बड़ा मुश्किल है। और एक ने दूसरे की हिंसा की, दूसरे को कुछ कहा लेकिन तुम न बोले, न कुछ तुमने किया, न हिंसा की, न कारित, न अनुमोदित, जितने प्रकार की हिंसा हो इनमें से तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम भीतर से मुस्कुराए, हाँ ईज लागनो हो तो हाँ बराबर करियो, तो तुम दोषी हो, वो नहीं। और आप अपने अपने हृदय को खोलिए कृपया, और भीतर झांकिए, क्या तुमको ऐसी खुशी नहीं होती। तुम्हारी जिसके साथ नहीं बनती उसको हानि हो, तुम तब राजी नहीं होते क्या। सोचो, पूछो अपनी आत्मा को, पूछो, छिपाओ मत। किसी की उन्नति हो जाती है और जिसके साथ तुम्हारा कुछ मन ठीक नहीं है उसकी उन्नति आप सह सकते हो। आए हो कथा में, लिसन मी प्लीज हार्टली। सोचिए, सोचिए, एक भुजा को लगता है चोट तो दूसरी भुजा भी पीड़ित है, ये आराम नहीं कर सकती। वैसे समाज के सभी लोग हमारा अंग है, हमें तारा अंग कहवाई, जीवन कोने आश्रय जाई, तेरे अंग है, हर एक दूसरे से मिले, सूरज तक हमारा मेल है। सूरज निकला ही नहीं और आदमी जागा ही नहीं, और सूरज डूबता है तो आलस आई सोने के लिए। कितना दूर तक हमारा रिश्ता नाता है, क्यों द्वेष, क्यों निंदा, क्यों अमर्श, क्यों बदला लेने की वृत्ति, फिर कैसे प्रसन्न रह पाओगे। हाथ से प्रसन्नता का गला घोटा जा रहा है, अपने हाथ से प्रसन्नता का बलि चढ़ाया जा रहा है। छोड़ो हठाग्रह, त्याग से अक्रोध की स्थिति आती है। एक हठाग्रह छोड़, दूसरा कदाग्रह छोड़ो। कदाग्रह है वस्तु का अठाग्रह नहीं,
भूमि का नहीं, पैसों का नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, विचार का उसका आग्रह होता, मेरे विचार मानो बस, मेरी बात क्यों नहीं मानते, वस्तु की वो नहीं सोचेगा, पैसा जाए तो जाए, जमीन जाए तो जाए, कुछ भी हो जाए उसको पड़ी नहीं, लेकिन मेरे विचार, विचार का आग्रह कदाग्रह। एक पात्र है रामायण में परशुराम, उसको भूमि से कोई लेना नहीं, विपुल बार मही देवन दिन ही, जितनी बार भूमि नहीं ब्राह्मणों को दे दी परशुराम जी, काम ना तो फड़क नहीं सकती थी ब्रह्मचारी के आगे, बाल ब्रह्मचारी अति को, लेकिन विचार का इतना आग्रह, मेरी बात माननी चाहिए सबको, ऐ जड़ जनक, विचार का जड़ता परशुराम जी को घाटे में ले गए। कई लोगों को वस्तु की नहीं चाहिए, छोड़ देता है वस्तु, अठाग्रही नहीं होते लेकिन कदाग्रही होते, मेरे विचार होने ही चाहिए, मैं जो कहूं वो होना ही चाहिए, ये मेरे विचार है, मानोगे कि नहीं? क्यों माने भाई, तेरी आत्मा हमारी कोई आत्मा नहीं, तेरा मन हमारा कोई मन नहीं, तेरे पास बुद्धि हमारी छोटी सी भी हमारी है, तेरा चित्त मेरा कोई चित्त नहीं, इतना बड़ा अपमान मानवीय चेतना का, इतना बड़ा अपमान मानवीय चेतना का, एक कैसी दुनिया है, मेरे विचार मेरे विचार मेरे विचार। हाँ, विचार को चार पांच बच्चे खेलते हो ना, जैसे खिलौना दे दिया जाए, जिसको जो रास आए खेले, ना आए न खेले, वैसे तुम्हारे विचार जगत के प्रांगण में, यदि तुम विचारवान हो तो छोड़ो, आग्रह मत करो, जिसको रास आएगा वो खेलेगा, तुम दबाव मत डालो कि तेरे लिए हाथी ही खिलौना, तेरे लिए घोड़ा ही खिलौना है, जो जिसको रास आए, जो स्वभाव के अनुकूल पड़े सो खिलौना। विचार का आग्रह, अंधे लोग बैठे हैं दुनिया में, और अंधे जैसे पुरानी कहानी, हाथी को देखने गए और सभी हाथी अंधों ने कहा, एक ने कहा पैर देखा तो कहा हाथी तो खंभे जैसा है, पूछ एक अंधे ने देखी तो कहा हाथी तो कौड़ा जैसा है, तीसरे ने सुंड पकड़ी तो बोले हाथी तो ऐसा है, किसी ने कान को देखा तो बोले अंधा कहता हाथी तो सूपड़ा जैसा है। सब में आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य किसी में नहीं, सब अंधे हैं, और हम जब अंध होते हैं तब पूर्ण सत्य की घोषणा कैसे कर पाए। कोई जागृत पुरुष आता है जमीन पर, जब करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा कोई माए का लाल। ऐसे नहीं आते रामानु, ऐसे नहीं आते शंकराचार्य, ऐसे नहीं आते सूर तुलसी नानक, करती है फरियाद ये धरती संग गौतन उधारी, भूमि बिचारी विकल भय परम विकल भय शोका, करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा कोई माई का लाल, तभी कोई आता है जो देखा है, जिसको पंद्रह पंद्रह नेत्र है, जिसको ज्यादा आंखें, विशाल दृष्टि है, लोचन नलीन विशाल, पूर्ण सत्य वो कहेगा। याती की वार्ता मुझे बहुत अच्छी लगी, दुनिया में सम्मेलन होते हैं और सब चर्चा करते हैं, दार्शनिक चिंतक सब एकत्रित होकर चर्चा करते हैं, सत्य ऐसा है, कोई कहता है थंभा जैसा है, कोई कहता है कौड़ा जैसा है, लेकिन सब अंधों की चर्चा, कोई देखने वाला दिखाई दे जो पूर्ण सत्य को महसूस कर चुका हो। विचार पेश करो जरूर, परोस दो किसी की थाली में आदर और विनम्रता से, फिर उनको खाना न खाना जिद मत करो, पराने भाव न आपो, हमारे गुजरात में जम्मा बेचे जरा भाव आपे, वेवाइयों ने तो खास आपे, समधी जो नए नए होते हैं ना उसको भाव देते हैं, लड्डू उनके मुंह में डालते हैं, जबरदस्ती डालते हैं, मारो दाड़ो खाओ तो मिले, पण हवे तू मारो करीश एवुं लागे, तारो तो नहीं थाय मारो थवानो छे, मारो मोटू न भाड़ू, तारे मने आंधळो करवो छे, परोस दो
अरे परोस तो दो, बिहारी लड़का जिसको जो खाना खा विचार दो। भगवान शंकराचार्य ने विचार दिए, तुलसी ने विचार दिए, नानक देव ने विचार दिए, जिद नहीं की। कदाग्रह प्रसन्न होने का द्वार खोलता है, कदाग्रह से मुक्ति। मैं तो बड़े बुजुर्गों को भी कहूं अपने घर में भी तुम्हारे विचार लादो मत, हाँ पेश जरूर करो कि भाई मुझे ऐसा लगता है। अब थोड़ा सीख जाओ ना भाई, जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, थोड़ा सीख जाओ। छोटे से छोटे बच्चे के भी उस पर भी विचार मत लादो, इनके दुलार से कहो जरूर, लेकिन उनके स्वभाव में अनुकूल न हो तो। बच्चा छः साल का है और आप उसको 50 साल हो गया उनकी पैंट पहनाने जा रहे हैं, हाँ ये पैंट पहनना, अरे पर क्या मारे पैर भी आप पैंट, पैंट जितनी मेरी पूरी ऊंचाई नहीं है, नहीं नहीं बस यही पहनो, ये बाप दादा की पैंट है। तो तू पैर बच्चे को हाफ पैंट पहनाओ, उनके नाप का पहने दो, इनके नाप का पहने दो इसको। जिद क्यों करते हो? बाप अपने विचारों का आग्रह नहीं, कदाग्रह। समझाओ, और तुम्हारा बच्चा तुम आदर से को और समझे ना, अरे बेकार बात है, तुम बाप ठीक से नहीं बने हो इसलिए बेटा नहीं समझ रहा है। पहले बाप बनकर बैठो, कोई बेटा मेरे देश का ऐसा नहीं जो अपनी बाप की बात न माने, तुम पहले बाप तो बनो, बाप तो बनना नहीं है। इंग्लिश टीचर ने होमवर्क दिया एक लड़के को, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था बेचारा, इंग्लिश में पढ़े वो बेचारा और भाषा नहीं जान, तो स्कूल तो दूसरे प्रांत की थी। उसने कहा कि गधे के बेटे को क्या कहते हैं, गधे का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं। तो बच्चा घर आया, माँ को पूछा कि माँ मेरे टीचर ने कहा है कि गधे के बच्चे को क्या कहते हैं, गुजराती में, गुजराती में गधेड़ा ना बच्चा ना खोलकू के, खोलकू मारे एनो अर्थ करवो छे क्यारेक खोलकू। तो माँ रसोई घर में व्यस्त थी, तो बच्चा पूछ रहा, माँ मेरे टीचर ने कहा गधे के बच्चे को क्या कहते हैं। अरे बोले तू मुझे क्यों पूछता है, मुझे कितना काम कर, तेरे पिताजी आज घर में बैठे उसको पूछ, क्योंकि वो सब जानते हैं, क्योंकि वो है। जल्दी में बोल गई, बेचारी का इरादा नहीं था, जल्दी में बोल गई। तो गया पिता के पास, पिता के पास जाकर कहा मेरे टीचर ने पूछा है गधे के बच्चे को क्या कहते हैं। तो पिताजी बता रहे मूढ़ इतना खबर नहीं तुझे, गधे के बच्चे को खोल का कहते हैं। पिताजी गधे के बच्चे को खोल का कहते हैं, तो फिर आप रोज मुझे गधा गधा क्यों कहते हैं, मैं तो गधे का बच्चा हूं, मुझे खोल का कहा करो, अब मुझे खोल का कहा करो। कदाग्रह छोड़ो, प्रेम से समझाओ ना, कौन बच्चा नहीं समझता। मेरे पास लाइए ना, तुम्हारे बच्चे मेरी बात मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानते। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो किसकी नहीं मानते, मुरारी बापू की बात मान लेते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रेम है तुम्हारे लिए। मैं और कुछ नहीं देता आपको, केवल प्रेम दे रहा हूं, उपदेश थोड़े दे रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे मेरी बात मान जाएंगे, और कई माता पिता लाते भी हैं ये हमारी नहीं मानता, आप बापू कुछ कहो, और मेरे इशारे पर बात मानते हैं। क्यों? कोई भी आता है किसी देश और किसी प्रांत का में, युवक लोग देश विदेश के लोग, उनके माँ बाप उसको नहीं समझाते पाते, मुझे टेलीफोन करे बाबा जरा बापू जरा उसको बता दो, मैं कहता हूं मान जाता है आदर के साथ। इसकी आत्मा का सम्मान करो, यह आत्मा है।
कदाग्र छूट जाए प्रसन्नता प्राप्त करने की कुंजी है। तीसरा कदाग्र विचार का होता है, हठाग्र वस्तु पदार्थ का होता है, मेरे पैसे मेरे। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, कभी भी किसी वस्तु पर चाहे विचार पर चाहे पदार्थ पर आपका ममत्व होता है ना, तो ममत्व कहाँ तक पहुँचा देता है, ममत्व में से फिर स्वामित्व पैदा हो जाता है, ममत्व आदमी को मालिक बना देता है, फिर धीरे धीरे स्वामीपन आ जाता है और स्वामित्व फिर आखिर में आदमी को प्रभुत्व तक खींच जाता है, फिर तो पता नहीं पता होगा। मेरी बहू मेरी मानती नहीं, अरे तू सास बनकर तो दिखा। कोई बहू ऐसी नहीं कि जो न माने, जो बाप को छोड़ने के लिए तैयार होती है, पिता को माँ को भाइयों को जिस आंगन में इतनी साल तक खेली कूदी वो सब छोड़कर तेरे घर आए, तेरी बात नहीं मानेगी क्या? लेकिन तू कभी सास बन तो सुना, इतना तो सोच कि तू भी कभी बहू थी, सास भी कभी दही भी कभी छास थी कि छास भी कभी दही थी। घनी सासू है मेरी पास आ रही बापू बहु तू बन। बाप तीसरा द्वार है प्रसन्नता के महल में प्रवेश करने का, प्रसन्नता के मंदिर में तुम्हारा स्वागत है। तीसरा द्वार खोलो, और तीसरा द्वार है पूर्वग्रह जो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है, कदाग्र विचारों में होता है, अठाग्र वस्तु और पदार्थों में होता है, और पूर्वग्रह व्यक्ति व्यक्ति के बीच। एक आदमी सबको पसंद है लेकिन आपका पूर्वग्रह उसके प्रति द्वेष पैदा कर रहा है, तुम सुलग रहे हो। एसिड दूसरों पर डालो तब दूसरे को परेशान नहीं करता, जिस पात्र में रखो वो पात्र भी ठीक नहीं तो पात्र को भी बिगाड़ता है, वैसे द्वेष जिसका करो इसका भी बिगड़ता है और तुम्हारा पात्र भी जल जाता है, तुम्हारी पात्रता और योग्यता भी नष्ट हो जाती। पूर्वग्रह व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, और ये तीनों तीनों श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है, हठाग्रह कदाग्रह और ये पूर्वग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिलग नहीं रह सकते, स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी। हठाग्रह काम पैदा करता है, कदाग्र क्रोध पैदा करता है, पूर्वग्रह लोभ पैदा करता है। अब सोचिए तुलसी के शब्द में इनको डालूं तो कहूं, तुलसी के विचार को मेरे शब्दों में डालूं, काम आंधी है फेंक देती है, आई गई राधवी को गिरा दिया, एक आंधी की तरह आता है काम फेंक दिया, काम आंधी है क्रोध आग है जला देता है, और लोभ नदी में आई बाढ़ है, जिमी प्रतिलाभ लोभ बाढ़ है। तुलसी कहते हैं ये तो शब्द डाले गए, काम है आंधी, क्रोध है अग्नि, लोभ है बाढ़, तुलसी के शब्दों में। काम बात कफ लोभ अपार, काम बात कफ लोभ अपार, क्रोध पीत छाती जारा, क्रोध पीत छाती जारा। काम बात, बात यानी वायु, आंधी वायु से आती है इसलिए काम आंधी है, कफ लोभ अपारा बाढ़ आती है, कफ लोभ है, और पित्त को वैदिक शास्त्र अग्नि कहते हैं, पित्त प्रकोप कहा जाता है, आग है, क्रोध पीत नित छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध
पूर्वग्रह व्यक्ति के बीच में होता है। बहुत सावधान रहना। ईश्वर का अनुग्रह पा चुके हो, सत्संग का अनुग्रह पा चुके हो, शास्त्र का अनुग्रह पा चुके हो, सद्गुरुओं का अनुग्रह पा चुके हो, पूर्वग्रह से बचिएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में एक बार पूर्वग्रह हो जाता है ना, फिर निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन। उसने मेरे लिए ऐसा कहा था, एक बार ग्रंथि बंध जाती है तो फिर टूटना बहुत मुश्किल, बहुत। क्योंकि विचार का कदाग्रह और वस्तु का हठाग्रह आदमी के पूर्वग्रह को बहुत मजबूत कर देता है। उसने मेरी चीज नहीं दी, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरे विचार को आदर नहीं दिया, मेरी चीज लौटाई नहीं, फिर बैठ गया पूर्वग्रह जो अदालतों तक ले जाता है, अस्तित्व मिटाने पर पहुंचा देता है पूर्वग्रह। ऐसे स्वभाव पर भरोसा न करो, ये तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है। तुम्हारा मूल स्वभाव है त्याग, समर्पण, प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। हमारे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम्, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नन्दत नन्दति नन्दत्ये। उसको आनंद 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 है सदा काल, उसको प्रसन्नता है। किसको? योग रतो वा भोग रतो वा, योग में हो या भोग में हो, संग रतो वा संग विहीन, संग में हो या संग से मुक्त हो, कोई भी परिस्थिति में ईश्वर रखे, लेकिन जिसका चित्त निरंतर हरि भजता है उसको आनंद 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 ही है। तीन बार कहा, भज गोविंदन भज गोविंदन। क्यों? शंकर भगवान प्रसन्न आनंद है, योगरत है तो योगरत। अरे भाई, सिर पर गगरी लेकर जो नारी पनघट से आती है, रास्ते में सहेलियां मिलती हैं तो हाथ मिलाती हैं, तालियां लगाती हैं, गीत गाती हैं, हंसी मजाक करती हैं, न जाने चुटकीला चुटकुला सुनाती हैं, चुटिया लेती हैं, लेकिन उसका चित्त घड़े के ब्रह्म में रम्मान होता है। इसलिए ये सभी विनोद या तो शिकायतें उसको छू नहीं सकती। गगरी घर पहुँच जाती है, अपने निज स्थान में बेड़ू पहुंची जाए। योग रतो वा भोग रतो वा, चाहे योग में हो चाहे भोग में हो कोई चिंता नहीं, मन ब्रह्म में रम्मान हो, चित गगरी पर हो, मेरा भोग भी भजन, मेरा योग भी भजन। शंकर देखो ना, ये खुला आदमी बैठा है मैदान में। योग रतो वा भोग रतो, योगियों का तो ईश्वर है लेकिन पार्वती को अंक में बिठा कर बैठा है। शिव श्री शंकर पातु। योग रतो वा भोग रतो, है कोई उनके समान योगी? और शायद कभी भोग में डूबता है तो भी जिसका चित्त ब्रह्म में रम्मान है उसके लिए आनंद आनंद आनंद। तीन बार त्रि आवृत्ति करते शंकराचार्य। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग भी, संग में हो तो भी ठीक और असंग हो तो भी ठीक। किसके लिए? जिसका चित्त ब्रह्म में रमा है, जिसका चित्त हरि में डूबा है, जिसका चित्त सत्य और प्रेम में सराबोर है, उसको आनंद 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 आनंद। हठाग्रह कदाग्रह पूर्वग्रह प्रसन्न होने का निमंत्रण कार्ड है, एक नहीं तीन तीन कार्ड भेजे जा रहे हैं। आओ प्रसन्नता पाओ,
आनंद सिंधु मध्य तव बासा। मेरे तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते, तेरा निवास, तेरा मूल एड्रेस है आनंद के बीच में रहना, तू क्यों रो रहा है? विनय पत्रिका, तेरा निवास कहाँ है? विष्णु भगवान तो शेष की पथारी पर सोता है, तू तो आनंद के सिंधु में सोता है। आनंद सिंधु में तेरा निवास, क्यों भटक रहा? लेकिन विचार का आग्रह पल पल बदलता है, वस्तु का आग्रह आदमी को बिगाड़ देता है और व्यक्ति के ऊपर रहा पूर्व ग्रह आदमी को अस्तित्व मिटाने तक पहुंचा देता है। मैं उसको मार दूं, पूर्व ग्रह हत्या करा देता है। कभी ये सुनी हुई बात कभी कही थी शायद मैंने कथा में, कि आपको बहुत तृषा लगी है और आप चले जा रहे हैं और कोई अटारी में, कोई पूरा नगर सुनसान बिल्कुल है और एक खिड़की अटारी में खुलती है ऊपर और किसी ने झांका और आपने कहा कि भाई साहब पानी पीना है और वो कहे कि आप देता हूँ अभी लाता हूँ, तुरंत आप कहोगे कि कितना सज्जन आदमी है, तुरंत निर्णय दे दो सज्जन आदमी, कोई नहीं, उनकी गली का कोई दरीचा खुला न था, सर किसे सुनाए गली में तेरी गजल, साफ सुनसान था। एक ने खिड़की खोली, पानी मांगा, कहा कि अभी अभी देता हूं, और बेचारा बहुत खुश हो गया, धन्यवाद देना, क्या सज्जन है, यहां कहां सज्जन करवा जा, कोई नहीं दे रहा और इसने पानी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गई, कोई नीचे आया नहीं, किसी ने पानी न दिया, तुरंत विचार बदल जाएगा कि धोखेबाज है, इससे तो अच्छा होता कि खिड़की खुली ना होती, मुझे धोखे में 15 मिनट में तो दूर पहुंच जाता, कहीं जलाशय मिल जाता, कहीं नदी मिल जाती, कहीं पीने का प्याऊ मिल जाता, तुरंत निर्णय बदलेगा मन, दुर्जन दुर्जन, और दुर्जन की संगिना देकर तुम जा ही रहे हो, इतने में फिर खिड़की खुलती है और कहे भाई साहब माफ करना मैंने देर कर दी, क्योंकि आप बहुत तृषातुर थे, पानी तो मैं 1 मिनट में ला देता लेकिन मुझे लगा कि आपको मैं शरबत पिलाऊं, इसलिए शरबत बनाने में देर लगी, तुरंत आपका विचार बदल जाएगा, अरे क्या संत का अवतार है, 1 मिनट पर दुर्जन, 2 मिनट पर सज्जन, 3 मिनट पर ये है, ऐसे विचारों के आग्रहों में हम फंसे जा रहे हैं और फिर पूर्वग्रह की ग्रंथियां पैदा हो जाए। शंकर को कोई पूर्वग्रह नहीं, किसी के साथ, राक्षस आया आ बेटा, संत आया नारद जी पधारिए महाराज, दंडवत बाबा बिराजो, सनत कुमार आए आओ, रावण अरे बेटा कैसे हो, लंका में सब हालचाल कैसा है, कोई भी आया शंकर को सब स्वीकार, संग रतो वा संग विहीन महादेव, इसलिए उसको अखंडानंद बोला जाता है सदा सदा। तो ये तीन छूटने से प्रसन्नता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, हाँ कहते हो ना, तो अब कोई केस बेस नहीं करेंगे, मैं अदालत में नहीं जाएंगे, इसका मैं भरोसा रखूँ ना, बाप मुझे जो अनुभव में उतरा मैं बांट रहा, तुम प्रसन्न रह सकते हो, प्रसन्न रह, कौन ऐसी बात हो चुकी है कि तुम्हारी प्रसन्नता छीनी जा रही, चलत कुंडलम भ्रुसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालु मृगाधीश चरमांबरम मिंडवा। मुझे आज मुझे लिखा गया कि बापू, आस्था वाले भाई ने लिखा कि बापू 1 बजे पूरा किया करो ना, क्योंकि हमारे पास फिर आगे का तो हम नहीं, लोगों की शिकायत आती, लेकिन मैं आपके आस्था पर नहीं बोल रहा हूँ, मेरी खुद की आस्था पर बोल रहा हूँ, फिर भी मैं ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिएगा। आम हमारे रण मैदान में धींगाणा में केम टाइम नो ध्यान रखू, कहीं धींगाणा 9 થી 12 थोड़ा हो तो क्यारे तलवार खेचवी पड़े, क्यारे भड़ाका बोला उछड़े नाग जम बाण यशमान माज धर धन बाजी ए उछड़े नाग जम बाण यशमान माज धर धन बाजी शिशु पछि फैलाना जब धर्म भीतर पर बा
फाफड़ा हाथी में अश्व डूबे अब प्रबल घोर जपाटे खेल वन धर पड़े हेम पृथ्वी सर हाँ 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 कैकना ढूंढ पड़िया कैकना ढूंढ पड़िया साम साम बड़े वीर संग्राम उझले नाग जंबान यजमान माजधर धन बाज जी शिशु डैन फैलाना रक्त धर रदी दल फैल गया पापड़ा हो गए कहाँ इनो मच्छर इनो मिली है साहित्य की अपनी मजा शिल्पन डग मग्यो शेषर्पण डग मग्यो शेषर्पण डग मग्यो लंका हर चल पर्यो लंका हर चल पर्यो कहत वृंदावी वृंदारी न जब राम धनु तम को जब राम धनु तम को राम धनु तम को शेष पन जग मगो शेष पन जग मगो लर कटत शर लरत भट कटत शर श्रोणित सरिता वही श्रोणित सरिता वही वीर मही गिर गए वीर मही गिर गए प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालु भगवान शिव जी का आनंद प्रसन्न है हम भी प्रसन्न रह सकते हैं सद्गुरुओं की तरह शिव की तरह यदि कुछ बातें हम अपने अनुभव में उतारें करने का अमल तो हो सकता है प्रसन्न रहा जा सकता है प्रसन्नता हमारा स्वभाव है हमारी निजता है शिव प्रसन्न है नीलकंठ जहर तो पीना पड़ता है जहर पीकर भी प्रसन्न है दयालु है प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम भगवान शंकर मृगाधीश का चमड़ा पहनते हैं मृगाधीश कहते हैं शेर को सिंह को लायन को मृगाधीश के मृगों का ईश्वर लेकिन शंकर भगवान मृगाधीश का चमड़ा तो नहीं पहनते वो तो व्याघ्रम पहनते वाघ का चमड़ा पहनते और मृगाधीश का अर्थ वाघ नहीं होता शेर होता क्या अर्थ टीकाकारों ने अर्थ बताया कि जिस प्रदेश में शेर न हो वहां वाघ ही मृगाधीश माना जाता है इसलिए भगवान शंकर वाघ को भी मृगाधीश मानते हैं और उसका चमड़ा पहनते हैं मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम कंठ में मुंडमाला पहनते हैं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि तुलसी कहते हैं प्रिय शंकर को कहा इस सद्गुरु ने कहा आप मुझे प्रिय है तो सबके नाथ जरूर आप पूरे दुनिया के नाथ हैं लेकिन मुझे बहुत प्रिय अपना एकांकी भाव लगा है तो सर्वना संकुचितता नहीं लाई मेरा प्रेम आप पर पूरा है आप तो सबके नाथ है प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि सर्वनाथ है लेकिन मैं तो आपको मेरा प्रिय समझ रहा हूं आप मेरे प्रिय हैं एक सदगुरु कह रहा है शंकर को आप मुझे प्रिय कैसे महापुरुष को प्रिय होना हो तो क्या करोगे
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्मे प्रियो नर संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मन भक्त समे प्रिय। प्रिय होना है तो गीता का 12वां अध्याय पढ़ो और उसमें से जितना जीवन में उतरे उतारो। प्रिय सर्वनाथम प्रियम शंकरम सर्वनाथम शंकर का अर्थ है कल्याणकारी। शम करोति शम माने कल्याण जगत का हित जगत का शुभ। ऐसे शिव को मैं भजता हूँ और ये लक्षण जो शिव के हैं सदगुरु के भी हैं। सदगुरु को भी ये लगता है उनको भी लागू वो प्रसन्नानंद होता है उसको भी नीलकंठ बनना पड़ता है। वो दयालु होते हैं गुरु के समान दयालु कौन है। मृगाधीश चर्मा पूरी पशुता को वो समाप्त करके अपना आसन बना देता है पशुता को अपना श्रृंगार बना देता है उसकी आलोचना नहीं करता लेकिन उसको भी अपना अंबर बना देते हैं उसको भी एक आदर देते हैं। मृगाधीश चर्मांबर मुंडमालम सदगुरु भी मुंडमाल धारण करता है किसकी अपने शिष्यों के प्रारब्ध की मुंडमाला शिष्य का माला है। कोई भी सदगुरु सही में यदि सदगुरु होगा तो अपने शिष्यों के प्रारब्ध की जवाबदारी लेते हैं। जब उसको कर्म का हिसाब पूछा जाएगा तब समर्थ सदगुरु का शिष्य निर्भीक रहेगा कहेगा कि मेरे गुरु को पूछो और गुरु कहीं उसी में होगा तो एकदम सावधान होकर आएगा कि ये मेरा था उसको मत पूछे मुझे पूछ लीजिए मैं उनकी वकालत कर दूंगा। सदगुरु शिष्य के लिए करता है शिष्यों की प्रारब्ध की मुंडमाना सदगुरु का श्रृंगार है। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम करम सर्वनाथम भजामि। सदगुरु सबको प्रिय लगता है ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी सबको प्रिय लगे वो सदगुरु सबको अपना लगे वो सदगुरु सबको लगे कि हमारे लिए ही कुछ किया जा रहा है वो सदगुरु। सर्वनाथम भजामि शंकरम कल्याण करने वाला गुरु है जो शिष्य का शुभ हो कल्याण हो। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं में सूर्य मूर्ति का वर्णन है भानुकोटि प्रकाश अष्टमूर्ति में ये बंध है वो सूर्य मूर्ति के ओर संकेत करता है। उसकी कुछ चर्चा कल करेंगे उसकी बात कुछ अब दो ही दिन बैच दिवस रहा उसने दो ही दिन बचे हैं बैच दो ही दिन थे दो दिन में चार श्लोक है चार बंध है उसको संक्षेप में करके करके रुद्राष्टक समर्पित करने की कोशिश करूँगा। तो आज यहाँ ही कथा को विराम दूँ लेकिन यहाँ से उठें इससे पहले आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें। हरे राम राम जन्म का उत्सव मनाया गया दो तीन मिनटों के लिए
श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा,
वल्लभ श्री नाथ भजो राधे गोविंदा, गोवर्धन नाथ भजो राधे गोविंदा, सतीयति उदास बोध सरद रुतुपतु जग निवास चित विलास कीने, मुरली धुन अति रसाल जहरे सुर कर गोपाल, तन मन सुख जताल मन मराल, आ ब्रह्म की सुन भर उछाव मन खन तन अति मना, चितवत खत मुत उछाव हाव भाव साचे, हरि हर अज हेर हेर विकसित सुर मेर मेर, परगट फेर फेर नतवर नाचे, परगट घट फेर फेर नतवर नाचे, तुत तु तु तुई तुई बाज तुई 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 करत गाज, शंख नाद सिंह नाद विविध वाद भेरी, तात ताक बजल ताल तक तकात, तरकत नरकत हटा मंद मंद भेरी, आयमरी गुण सुमन जाल बरकत हरकत विशाल, गुण जन मानस विशाल यमित मोद माजे, बम 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 डम रुबाद नाग वेद सर्व साध, शंकर महाराज पांडव नाथ भोले महाराज आज, छवि नंद नंद मुक्तुभास मंद मंद, दंपति युत चंद द्वंद जगवंद डोले, वनिता सुर वृंद वृंद निर्भत आनंद कंद, यति स्वचंद चंद जय जय बोले, पाछुत नित कर जोर जोर पंत जमक तोर तोर, सिमर तान तोर घोर मोर लिया वाते, हरि हर अज हेर हेर सुर वेर वेर, पर घट घट फेर वर नाचे, पर गट गट फेर फेर वर नाचे, विपत विशाला दीन दयाला नंदलाला।
नाच कैलाश पास लई भूत परमेश्वर ओपत नभ आभास खास मद भाल कैन वार करण विश्वास विराज कुल कमल दिवाकर परम हिम चौपाट वाद समय सन संभर नगाराई चोग रड़े करताल थपात जपात कटाकट ढोल धमाकट मेर धरे उमिया संगनाथ गणम सर्वेश्वर ईश्वर थई तत्ता उचरे परमेश्वर मोत धरी पशुपाड़न काम प्रजाड़न नाच करे जीव काम प्रजाड़न नाच करे नट तांडवरो भट देव घटा नट उलटा उलट धार अजम चौथक दुधुवत दुवत खेखट गेगत भू कैलाश द्रजम तत्कान त्रिपुरारी त्रेकट त्रुकट भूलट धूहर ठेक भरे परमेश्वर मोद धरी पशु पाड़न काम प्रजाड़न नाच करे जीव काम प्रजाड़न आज की कथा को यहाँ विराम। कल सुबह 10 बजे फिर आगे भाव से बोलिए। रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु कालीर ललित सिया।
जय श्री आराम। खास सूचना, आज कोई भी भाई बहन पूज्य बापू की मुलाकात के लिए उतारे पर न पधारे ऐसी प्रार्थना की जाती है। आज मुलाकात बंद है, कोई भी भाई बहन वहाँ न पधारे ऐसी प्रार्थना। जय श्री आराम।